ओके सो आज अपना मॉक टेस्ट 2 हुआ और टॉपिक था जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डे बुक्स, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनल अकाउंट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ये सारे टॉपिक आपके टेस्ट थे. ये सारे चीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इम्पॉर्टेंट है. अपने प्रोफेशनल एग्जाम में वी कैन नॉट सेलेक्ट कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये लेस इम्पॉर्टेंट है, ये जानना है, ये नहीं जानना है. इस तरह का ऑप्शन आपके प्रोफेशनल एग्जाम में नहीं होता है और एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाया जाता है. यही रीज़न है कि मैंने आपको पास होने का खाली मंत्राज नहीं दे रहा हूँ, सीए बनने का मंत्राज दे रहा हूँ. और इस कारण से हर चीज़ के ऊपर फोकस रखा हूँ और वैसे ही एग्ज़ाम में जैसे आता है पेपर भी उस हिसाब से बनाए कि आपका थोड़ा सा एप्लीकेशन समझ सको कि आप कितना एप्लीकेशन बेस्ड अपने आप को तैयार कर रहे हो. यदि आपने अपने आप को किसी तरीके से सॉल्यूशन बेस्ड किए होंगे तो फंसे होंगे. आप एप्लीकेशन बेस्ड जर्नल लेजर के हिसाब से आगे मूव कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉब्लम कन्फ्रंट नहीं किए होंगे और होप्स हो कि आप अच्छा किए होंगे. जो लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे वो कैसे पेपर वेरीफाई करेंगे, तो ये वीडियो देखने से पहले आप पहले क्वेश्चन जुगाड़ कर लेंगे. यदि आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको ये पेपर सेंड कर दूंगा. इवन दो इफ़ यू आर नॉट माय स्टूडेंट तो भी आप व्हाट्सअप करके मेरे से ये ले सकते हैं. ये वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा. आगे और भी वीडियो एंड अपडेट्स आता रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और उस चैनल से आपको अपडेट मिलता रहेगा. आगे जाते हुए मैं उस चैनल पे बहुत एक्टिव होने वाला हूँ, बहुत कुछ आएगा और मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये मॉनेटरी नहीं, मैं चाहता हूँ भला हो ज़्यादा लोगों का. दैट इज़ ऐसा नहीं है कि गूगल मेरे को बहुत पैसा देगा तो उससे मेरा घर चलेगा. गूगल का पैसा नहीं चाहिए, वैसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं कोई शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ और उसके बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे तो रुपया भी बहुत ज़्यादा आएगा, वैसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुँचाना अपना ऑब्जेक्टिव है. तो मेरा नंबर 9831245362 ये व्हाट्सएप नंबर है, 9831245362. इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पेपर भी मांग सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. सॉल्व करने के बाद देन ये वीडियो पे आ जाइए फिर से वापस वीडियो देखने के लिए. यदि आप वीडियो देखना शुरू कर दिए तो पहले ये पेपर दे लीजिए, फिर उसके बाद आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, अदरवाइज आपका टाइम वेस्टेज होगा. तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट करें. और ये जस्ट एग्ज़ाम में आप क्या गलती करेंगे, आपको कैसे मार्क्स रिवार्ड किया जाता है, कुछ तो सॉल्यूशन मैं बना रखा हूँ. ऑब्वियस है वो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली मार्क्स कैसे दिया जाएगा, आप कैसे कंपेयर करेंगे, क्या गलती स्टूडेंट करता है एग्ज़ाम में, वो सारी गलतियों को यहाँ पर ठीक करना अपने को. ठीक है, मैं रिमार्क करूँगा, आप मार्क देखते जाएंगे. और ये जो लाइव क्लास में हो भी रहा है तो बच्चे लोग किसी न किसी स्टूडेंट का कॉपी ले रखे हैं और वो लोग कॉपी चेक कर रहे हैं. तो आप लोग से ऑब्वियस है कि वीडियो में मैं अपने स्टूडेंट को बोल रहा हूँगा, वो क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि भाई मुझे मार्क्स कितना देना है. यदि कहीं डाउट होगा तो डेफिनेटली वो पूछ सकता है, बट ध्यान से सुनेगा तो शायद नंबर ऑफ डाउट्स क्या हो जाए, कम.
हम लोग वैसे पढ़ाते हैं कि कोशिश यही करते हैं कि डाउट्स ना आए। डाउट्स आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन में कमी रह गया, तभी डाउट्स आता है। और हर गलती के बाद आदमी अपने आप को और इम्प्रोवाइज करता है। तो फर्स्ट टेस्ट हुआ था, फिर सेकेंड ये टेस्ट कंडक्ट किया हूँ, आगे और करूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अपना अल्टीमेट गोल है कई सारे रैंक्स आए, कई सारे। और रैंक लाने के लिए आपको थोड़ा अलग तरीके से मेहनत करना पड़ेगा और आपको डिफरेंट दिखना पड़ेगा। योर लेबल मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो डिफरेंट होने के लिए तो डिफरेंट अप्रोच भी होता है, आप सेम अप्रोच से कैसे कर पाएंगे। तो पहला सम्स था डेप्रिशिएशन का, होप सो बन गया होगा। यदि किसी ने अपना साधारण जनरल नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी लगाया होगा तो ये सम्स जरूर बना होगा। सम्स क्या है, मैं पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सभी ने टेस्ट दिया तो आपको सम्स अभी आपके दिमाग में है, तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। बट क्वेश्चन क्या पूछा है मैं ओवरऑल बता दूँ, क्योंकि अभी मैंने तुरंत सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन आपसे सिर्फ 2 साल का बनाने के लिए बोला है, और एक है ईयर 2020 एंड 2021। 2020 के लिए बनाना है, 2021 के लिए बनाना है। तो आपका लेजर स्टार्ट होगा 20 एंड 21 से, और यहाँ पर आपका 2020 में बैलेंस कितना है 1 जनवरी को गिवन है, एंड दैट इज 195,150। दिस इज द रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ द प्लांट। और उसमें जो रिटेन डाउन वैल्यू है कौन कौन से एसेट्स का मिलाकर है, तो वो रहा ये 358,000 जो एसेट्स है उसी का रिटेन डाउन वैल्यू है 195,150, 1,95,150। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये लेना था कि वेदर यू आर फॉलोइंग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और यू आर फॉलोइंग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आर यू डूइंग अंडर प्रोविजन मेथड और स्ट्रेट वे यू आर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन टू द एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर है कि अपने डेप्रिसिएशन अलग से प्रोविजन अकाउंट बना के नहीं रख रहे, सीधा डायरेक्टली एसेट्स में चार्ज किए, तभी आज रिटेन डाउन वैल्यू 195,150 है, जबकि उसका ओरिजिनल कॉस्ट 358,000 था। क्लियर है ये? आप लोग का इंटरेस्ट मैं समझ पा रहा हूँ, इंस पे नहीं है, सॉल्यूशन में है, बट समझाना जरूरी है। यदि ये समझेंगे नहीं तो गलती पकड़ेंगे कैसे। ये रहा सॉल्यूशन, मेरे ही हैंडराइटिंग में है, बट आप देख सकते हैं मैंने मशीनरी प्लांट अकाउंट लिखना मैं ही भूल गया, इन द बुक्स ऑफ लिखना मैं ही भूल गया। आप मैच कर सकते हैं, मार्क्स बोलूँगा कि कैसे देना है। पहला ये प्लांट अकाउंट होगा, तो और इन द बुक्स ऑफ ऑब्वियस है, किसके बुक्स में बन रहा है, कुछ है क्या ओनर का नाम, तो अपने भी लिख कर छोड़ देंगे। देखिए फर्स्ट ईयर यदि किसी का राइट होता है, ये बैलेंस लिखने का कोई मार्क्स नहीं है। ये है 29,500 यदि है, 350 है इधर बाय बैंक, 350 है बाय डेप्रिसिएशन, 29,850 है। यदि ये चार टिक, पहला टिक हटा दे रहा हूँ, यदि ये चारों टिक है सही है तो इन्हें 2 मार्क्स दीजिए, जितना टिक कमती होगा, ठीक है ना, दो जितना टिक कमती होगा मतलब कि मार्क्स कमती होता जाएगा, हाफ हाफ करके माइनस होगा, तो इसके लिए आप इन्हें 2 मार्क्स दे रहे हैं। मैच कर लीजिए, हाँ जी, क्वेश्चन है आपका, टू को बाई में बाई को टू में लिखा, मतलब सब कुछ फिगर्स भी उल्टा सीधा, मतलब यहाँ कोई बच्चा बाई लिख दिया और उधर में टू लिख दिया, ऐसा कर दिया, बाकी सब सही है या बोलना चाह रहे हैं। टोटल हमारा ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था और टू और बाई का गलती किया है तो ये ब्लंडर है, ठीक है, बट ओवरऑल सही है, लेकिन वो डेबिट और क्रेडिट का गलती कर रहा है। तो जो बोनस है अभी, बोनस वो आप काट लेंगे, उसको 2 दे दीजिएगा, बोनस अभी होने वाला है क्या देख लीजिए, इसमें भी तो बोनस है। बोनस है कि यदि किसी ने ये सब सही किया है, ये सब
सही किया है, ये बैलेंस भी मैच हो गया, ये बैलेंस भी मैच हो गया, 2/8 प्रॉपरली दिया है तो बोनस है 1, आप 1 काट लीजिए, यानी सिर्फ 2 मार्क्स देंगे, फुल करेक्ट होने से 3। आप समझ गए बोनस क्या चीज़ का दिया मैंने, सब कुछ मैच किया, जरा सा भी बोनस में माइनस हो गया तो वो बोनस नहीं मिलेगा। क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है किसी को? आगे नेक्स्ट ईयर में फिर से जाएंगे और यदि ये टिक लग गया, ये टिक भी लग गया, बेचने का एंट्री आ गया, डेप्रिसिएशन अमाउंट करेक्ट हो गया, ठीक है, तो 2 मार्क्स और सब कुछ, ये डेट वगैरह प्रॉपरली, डेट भी दिया है, क्वेश्चन मार्क इंडिकेट किया है, क्योंकि अपने खरीदे उसका डेट नहीं मालूम है, बेचें उसका डेट नहीं मालूम है, क्वेश्चन मार्क देना था, ये सब सही है यदि, तो बोनस 1 दीजिए। आप समझ गए, हर चीज़ देखा जाता है, हर चीज़ का मार्क्स है। हाँ, लाइन और पर्टिकुलर का कोई मार्क्स नहीं है, सो 3 मार्क्स कैसे देना आप समझ गए। इसमें 4 वर्किंग नोट है, यदि किसी ने वर्किंग नोट प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं किया है कि पहला 350 गेन कैसे आया, तो आप समझ लीजिए ओरिजिनल कॉस्ट 5,500 था 2005 में, आप क्वेश्चन में हैं, 2005 में कितना था उसका, तो वो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई 10% के हिसाब से, यदि हम डेप्रिशिएट करते जा रहे हैं तो उसकी ज़िंदगी कब ख़त्म हुई, कौन से ईयर में, 2014 में, अभी चल कौन सा रहा, 2020, तो यदि मैं जिस चीज़ को डेप्रिशिएट करता चला गया तो यहाँ तो लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ ओवर इकोनॉमिक लाइफ, तो ये 5,500 तो डेप्रिशिएट हो चुका, उसका वैल्यू क्या है, नील, और जिस चीज़ का वैल्यू नील है उसे हमने 350 में बेचा, तो पहले तो हमने बेचने की एंट्री दिखाया और बाद में पता चला पूरा का पूरा अपना प्रॉफिट ही है, तो 350, यही तो वहाँ पर वर्किंग नोट करके दिया हुआ है, यदि ये वर्किंग कोई दिखाया है तो 1 मार्क्स दीजिए उसको, वर्किंग नहीं है तो कोई मार्क्स रिवार्ड नहीं होगा, यदि मन में कैलकुलेट करके लिख दिया होगा तो 1 मार्क्स कट गया। दूसरा, वर्किंग इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, ऑब्वियस है कि जो आइटम 2009 में खरीदा गया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10 साल तक होगा और 2018 तक होगा, हम तो 2020 में हैं इसलिए इस पर डेप्रिसिएशन नहीं होगा, 2000 जो 10 में खरीदा गया उसका लास्ट डेप्रिसिएशन 2019 हुआ होगा, तो अपने उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, नहीं करेंगे, 2011 में जो खरीदा गया होगा उसका लास्ट डेप्रिसिएशन 2020 होगा, ये अंतिम साल है इसलिए उसके ऊपर आएगा। अच्छा, किसी ने ये नील नील नहीं लिखा, नोट दे दिया तो भी चलेगा, या किसी ने ऐसे नील नील लिख दिया तो उसको नोट अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, तो 25,200 और जो इस साल में खरीदा गया उस पर 2,950, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इफ द एसेट इज यूज फॉर इवन अ पार्ट ऑफ द ईयर तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड, तो इसलिए आपका टोटल डेप्रिसिएशन 2,9850 यदि आया है, वर्किंग दिखाया है कोई, वर्किंग्स का मार्क्स तो कट करेंगे ना, ये कैसे स्किप कर सकता है कोई, वहां तो 1 मार्क्स हम दे ही दिए, यदि वर्बली कैलकुलेट करके आया तो लेजर करेक्ट हो गया, वहां ले लिया तुमने, ये तो हमको चाहिए, तो 1 मार्क्स यहां और दीजिएगा आप यदि उनका करेक्ट हुआ है तो। सर 0, तब क्या चीज का मार्क्स, आप क्या चीज का वर्किंग कर रहे हो, यदि किसी ने अमाउंट ही गलत कर दिया ये वर्किंग करके दिखा रहा वर्किंग, अब क्या चीज का मेहनत का मार्क्स दें, आप सही डायरेक्शन में दौड़ोगे तभी तो यू विल अचीव योर गोल, इफ यू आर ट्राइंग बट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन तो यू विल नॉट एबल टू अचीव योर गोल, तो इसलिए आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। 2,9850 यदि आया तो 1 मार्क्स दीजिए, वर्किंग्स होना चाहिए, वर्किंग्स नहीं है कि एक लाइन में लिख दिया 2,9850 मत दीजिए, क्योंकि वो मार्क्स हम ऊपर में लेजर में दे चुके हैं, अरे ये चीज़ तो मैं यहाँ दिया हूँ ना 2,9850 का, तो यहाँ तो मैंने दे ही दिया, अब कहेगा नीचे भी वर्किंग्स तो हमको चाहिए, वर्किंग इज पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट बोलते हैं। तीसरा नंबर वर्किंग, कंप्यूटेशन शोइंग प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट इन द ईयर 2021, एक 2021 में भी प्लांट बेचे हैं और बोला है कि वो 2013 में हमने उसके खरीदा था 7,000 में, अब ये यदि हम देखें तो ये उसका नाइन्थ ईयर है, करंट ईयर इज द नाइन्थ ईयर, कैसे
2013 से यदि कैलकुलेशन शुरू करो तो उसका जीवन अंतिम होगा 2022 में, 10 साल, 2013 प्लस 10 ऐड करेंगे तो 2013 एक हुआ, 14, 15 से काउंट करो तो 2022 विल बी द लास्ट ईयर। तो डेप्रिसिएशन 2022 में उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो अपने अभी एक साल और बचा हुआ है, तो इस साल जिस साल बिक रहा है वो तो 9th ईयर है, तो इस ईयर का भी डेप्रिसिएशन उस पर होगा। तो दैट्स वाई 9 ईयर का डेप्रिसिएशन मैंने कर दिया 6300। आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है, आप समझ रहे हो गलती की हो, क्योंकि आपने अभी खुद ही टेस्ट अपना पेपर लिखा है तो आप अपना गलती पकड़ रहे हो और चेहरा बता रहा है कि आपका गलत हुआ है। आपका चेहरा ऐसा इंडिकेशंस दे रहा है, बेटा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, मैं फुल मेहनत कर रहा हूँ इस बार, पहले कभी नहीं किया इतना जितना इस बार मेहनत कर रहा हूँ, सम्स कराने में, टेस्ट लेने में। आपने जरा सा भी मेहनत कर दिया तो पक्का कोई रैंक छीन नहीं सकता है, 100 में 100 अकाउंट्स आ सकता है। और आप देखो बुद्धि वाला क्वेश्चन था कि नहीं, मोनोटोनस स्टीरियोटाइप क्वेश्चन नहीं सेट करूँगा, हर बार टेस्ट होगा तो कुछ सीखने मिलेगा, गारंटी है मेरा। टेस्ट मतलब सीखना, आप टेस्ट दोगे खुद में बोलेगा वो मेरे को एप्लीकेशन ब्रेन अप्लाई करना रादर देन मगअप करना। और मैं बोला तुम जितना पढ़ के आ जाओ, मेरा टेस्ट देने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, मेरा टेस्ट देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ एप्लीकेशन बढ़ाते जाओ बस। और ये मेरा नहीं है, ये तो इंस्टीट्यूट का रिक्वायरमेंट है, यही तो मांगता है वो आपका ब्रेन। 700 रुपये बुक वैल्यू है बेटा, सेल प्रोसीड्स 1500, 800 का प्रॉफिट हो गया। यदि ये वर्किंग किसी बच्चे ने दिखाया है तो 1 मार्क्स उनको रिवॉर्ड करिए। फिर हाँ बोलिए, इस वर्किंग में यदि साफ सुथरा नहीं किया है थोड़ा 19 चलेगा, बट बहुत 19 नहीं चलेगा, 16-17 नहीं चलेगा, 14-15 नहीं चलेगा। पूछिए पूरा क्या दिखाया, फिर उसके बाद तो उसका हम क्या करेंगे 700 का, उसको तो ये स्टेटमेंट कंप्यूटेशन शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट इन द ईयर 2021 हेडिंग ऐसे जाना चाहिए। तो मैं तो अब बताऊंगा ना कि बेटा एग्जाम में टीचर तुमसे क्या खोजता है, इट्स नॉट अबाउट द कंपटीशन ऑफ गिविंग द हाईएस्ट मार्क्स, जैसे बोर्ड लोग कर रहा है CBSE IIC एंड WBN वॉट एवर द लोकल बोर्ड इज देयर, उन सबका एक ही अप्रोच हो गया है, कंपटीशन है, चल बेटा जितना दे सकते हैं दे दो। छठ तो चैप्टर ही है पूरा 12 में अकाउंट्स में, और यहाँ पे 6 नहीं 26 चैप्टर है, 26 चैप्टर का खेल है, उसको चलाना दिमाग में हर समय, रन करना इज इम्पॉर्टेंट। एनीवे काट के जीरो कर दीजिए उनको, 1 मार्क्स यहाँ यदि ये करेक्ट होगा तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2021, करेंट ईयर में डेप्रिसिएशन क्या होगा, देखिए आइटम्स बॉट इन 2012 ये लास्ट ईयर होगा, जो 2012 में खरीदा गया उसका लास्ट ईयर होगा ये, कि 2021 10 साल काउंट करना शुरू करेंगे तो 21 इज द लास्ट ईयर, इसलिए इस साल होगा 25200 के ऊपर। 2020 में खरीदा गया था इमीजिएटली, इसी साल आपने अभी पिछले साल खरीदा था, कितने रुपए का, 29500 का, उसके ऊपर होगा 2950 का। और 2021 इसी साल आपने 18000 का खरीदा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा 10% 1800, टोटल डेप्रिसिएशन 29950 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड प्लांट। मैंने हम लोग जब एसेट्स बेचते हैं ना तो उसका डेप्रिसिएशन अलग से लिखते हैं, याद करो, बाय बैंक बाय डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट्स बाय लॉस या बाय टू प्रॉफिट ऐसा करके आता है ना, तो मैंने मार्क कर दिया कि ये जो 2012 वाला में से ही तो बिक किया था, 2013 का एक एसेट्स बेचे थे, 2013 का एक एसेट्स बेचे थे, तो ये आइटम जो है ना 2012 और लेटर है। तो इसका मतलब 2013 वाला भी इसी में इंक्लूडेड है। तो यदि मैंने 25200 कैलकुलेट कर लिया तो इसके अंदर वो 700 वाला डेप्रिसिएशन क्या है, इंक्लूडेड हो गया। तो देखो एसेट्स के अंदर बाय डेप्रिसिएशन करके आने से तो हुआ आप 29 बाय डेप्रिसिएशन 29950,
अब आप अलग से लिखो बाय डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट्स, बाय डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स, तो बात तो एक ही होगा ना, रिजल्ट थोड़ी डिफरेंट होगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बाकी मेरा सोल्ड एसेट्स में अभी तक अलग दिखा रहा था, इस क्वेश्चन में नहीं दिखाया, तो आखिर गया किधर को? आपको मालूम तो होना ही चाहिए कि किधर को गया। तो इसलिए मैंने नोट वहां पर लिखा कि ये जो स्टार है ना, ऐसे एग्जाम में आपको भी स्टार देना है और लिखना है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड प्लांट, इसी के अंदर, क्योंकि 252,000 जो फिगर है उसके अंदर में वो प्लांट भी है जो बिका है, तो दैट मीन्स कि उसके अंदर ही इंक्लूडेड है। या तो आप अलग कर दीजिए, अलग कर देंगे तो 252,000 में से 7,000 अलग हो गया। समझ में आ रहा है? आप लोग रिएक्ट नहीं कर रहे इसलिए पूछ रहे हो। 252,000 में से 7,000 अलग हो गया। सो यहां पर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड प्लांट अपने 700, तो यदि कोई बोले नहीं 252,000 का था उसमें से 7,000 वाला बिक गया, सर अलग कर दो ना उसको, अलग कर देता हूं चलो, तो 245,000 बैलेंस एसेट्स बचेगा मेरा यूज में, और 245,000 के ऊपर करेंगे तो 24,500 आएगा, 700 रुपया कमती आएगा, तो 700 अलग से कोई दिखाया होगा ऑन सोल्ड एसेट्स, अलग से दिखाया होगा 700, और यहां पे 700 अपने आप कम हो जाएगा 25,200, फिर नहीं आएगा, फिर आएगा 24,500। तो यदि किसी बच्चे ने यहां पर अल्टरनेटिव वे में 24,500 लिखा हो और अलग से डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट्स 700 दिखाया हो, तो उसको आप यहां पर मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे, 1 मार्क्स दे देंगे। मतलब मैं क्या बोला, समझ में आया? मैं बोला 25,200 नहीं, कितना दिखाया? 24,500 दिया, और 24,500 देकर अल्टीमेटली उसने टोटल कर दिया, तो ये तो मैच नहीं करेगा, कहीं तुम काट दिया तो बेचारा का सही होते हुए भी 1 मार्क्स कट हो जाएगा, और अपने नहीं चाहते हैं कि उसका 1 मार्क्स कट हो। लेकिन वो 700 रुपया वहां फिर दिखाया हो डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीन, यदि नहीं दिखाया सोल्ड प्लांट तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों ही राइट है, आपके ऊपर है अपने, ये सही होने से 1 मार्क्स दीजिए उनको। टोटल 10 का हिसाब हो गया क्या? देखिए तो हमने 10 मार्क्स डिफाइन कर दिया कि 10 मार्क्स कहाँ पर है। चलिए आप लोग टोटल कर लीजिए कि इस पूरे क्वेश्चन में किसी को कितना मिला, आप लोग कॉपी में टोटल कर लीजिए और वो टोटल यहाँ पर बैठा दीजिए। कहाँ पर? सॉल्यूशन जो जहाँ वो लिखा है क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन या सॉल्यूशन 2 क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ पर बैठा दीजिए। जैसे मैं बैठा रहा हूँ, राजेश सर को 10 मार्क्स मिले, आप वैसे बैठा दीजिए क्वेश्चन 1 के बगल में कि कितना मिला। किसी बच्चे को 10 मिला है? आप लोग जो दिए कॉपी चेक किए, कृष्णम को 10 मार्क्स दिए आप, वेरी गुड, वाह शाबाश कृष्णम। और कोई 10 के नीचे 9-8 वाले हैं? कोई 7-6-5-4-3? अरे क्या है, किया ही नहीं है क्या? हेलो क्वेश्चन टोटल आधा आप दिए हैं, कॉपी देख लूं एक बार, आप सही चेक कर रहे हैं क्या? और कुछ लिखा ही नहीं है, तो आधा किस बात का सर? टू बैंक लिखने का दे दिए, वो तो बहुत मतलब मेहरबानी हो गया, खाली टू बैंक लिख दिया और कुछ नहीं गया क्वेश्चन में, वो तो कोई मार्क्स नहीं है वैसे, वो तो ऐसे क्रॉस होके जीरो जाएगा। क्या किया? नहीं अब दे दीजिए, तो काटिए मत, दिया हुआ वापस नहीं लेना चाहिए। आपको समय दिया गया था 1 घंटा 2 घंटा दे दिया गया इस पेपर के लिए, आपको समझ में आ रहा है कि ये एग्जाम का स्टैंडर्ड है? 1 घंटा 40 मिनट में कंप्लीट करना था अपने को ये पेपर, 1 घंटा 40 मिनट, आपने 2 घंटा लिया है, चेहरा बता रहा है कितनी मायूसी है आपके। मैं नहीं ऐसा चेहरा मैं एक्सपेक्ट नहीं किया हूं ऑनेस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा लगा क्वेश्चन 1, सीखने मिला कुछ? आप लोग हमसे पूछ रहे थे सर क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2005 गलती से छप गया 2015 की जगह, लेकिन आपने क्यों नहीं सोचा कि जो चीज स्टार्ट हुआ यहां तो एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन था, 2005 से राइट ऑफ होना शुरू हुआ, तो 2014 में तो जीरो वैल्यू है,
और आज मैं उसको बेच रहा हूँ 350 में, तो पूरा 350 मेरा प्रॉफिट है। अब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ अरे इजी तो था, टेक्निकल थोड़ा सा मुझे उस चीज़ क्रैक करना था, तो क्वेश्चन में रियली में कोई डिफिकल्टी नहीं था, बट एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन था। यू कांट बी लाइक स्टीरियोटाइप, जो बच्चा ट्यूशन नहीं ले रहा है सीए फाउंडेशन का किसी से भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, तो गलत कर रहा है। तो सेल्फ स्टडी जोरदार कर बेटा, इतना जोरदार करो कि कोई बुक्स बचे नहीं, तब तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। खाली पास होके किसी तरीके से फाउंडेशन पास हो जाएंगे, क्योंकि कुछ एरिया उन वो लोग ऐसा रखता है बहुत सिंपल, कुछ एरिया जहाँ एप्लीकेशन टेस्ट करता है, जहाँ एप्लीकेशन टेस्ट करता है आप वहाँ लड़खड़ाते हो, जो एरिया सिंपल रखता है वहाँ मार्क्स सिक्योर करके किसी तरीके से लोग 400 में 200 लाना है, पास हो जाते हैं। पास होके इंटरमीडिएट का ट्यूशन चालू हो जाता है, आपके पास अभी 3 महीना है, वो 3 महीना ना सिर्फ इसी को डिवोट होना चाहिए, फाउंडेशन को जी जान लगाकर। और इंटरमीडिएट फाउंडेशन खत्म होने के बाद इमीडिएटली शुरू होना चाहिए, सो दैट आपको 9 महीना बाद इंटरमीडिएट देने मिलता है, तो रिजल्ट के बाद या 12 महीने का टाइम मिल जाता है ना, 12 महीना नहीं 11 महीना मिलता है, तो रिजल्ट के बाद आई शुड नॉट वेस्ट माई 3 मंथ्स। हमें पता है हम पास हो जाएंगे, तो जब पता है तो शुरू करना भाई अगला गोल, इंटर का प्रेशर क्यों लेते हैं। तो इंटरमीडिएट का ट्यूशन भी फाउंडेशन एग्जाम के बाद ही शुरू कर दीजिए, ठीक है, उसका फायदा है, कुछ फायदा है आपका, ज्यादा टाइम फॉर रिवीजन, ज्यादा टाइम फॉर टेस्ट। हम ऐसे ही इंटरमीडिएट में भी पढ़ा रहे हैं, तो आखिर तो आपको प्लांट के अगेंस्ट में ही आपने उसे, आपको याद होगा जब मैंने डेप्रिसिएशन पढ़ाया था तो मैंने एक दिन बोला था कि प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट इज नथिंग बट इधर ओवर डेप्रिसिएशन चार्ज और अंडर डेप्रिसिएशन चार्ज। आप बुक्स में उसे जीरो कर दिए बट कुछ तो था दम, तभी तो बेचारा रिकवरी करके कुछ तो कीमत लेकर आया आपके लिए। आप अपने उसको निठल्ला समझ रहे थे कि वो कुछ भी काम का नहीं है, बट 350 खींच के ले आया। इसका मतलब जो पास में आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है वो ज्यादा कर दिया। याद करो मेरा पढ़ाया हुआ बेटा, तो क्यों आएगा, उसका रीजन मैंने दे दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, म्यूचुअल एकोमोडेशन का सम्स था और इसमें मैं आपको जितना भी इंस्टीट्यूट के मैट में सम है वैसा मैंने ये सम नहीं दिया, और ये सम्स और इजी था यदि आप सीक्वेंस वाइज फॉलो करते जाएंगे तो आपको ये आसानी से सही बनना चाहिए था। क्योंकि इसमें क्या है, ये जो सम्स था म्यूचुअल एकोमोडेशन का, इसने एक ड्रॉ किया आधा दे दिया, उसने एक ड्रॉ किया आधा दे दिया, फिर क्या हुआ कि इसने ड्यू डेट पर आया और ड्यू डेट पर आया सेटलमेंट का बात, तो यहाँ रेमिटेंस नहीं कर रहा है कि तू ऑनर कर ले, और वो रेमिटेंस नहीं कर रहा है कि तू ऑनर कर दे, यहाँ पे तो बोला साफ साफ कि ठाकुर ने क्या किया, ठाकुर ने धोखा दे दिया, हाथ तो था ही नहीं, पंडित बेचारा भोला भाला फंस गया, अपना भी पेमेंट किया ठाकुर का भी पेमेंट किया, और ठाकुर लास्ट में क्या किया, इंसॉल्वेंट, हाथ तो था ही नहीं, हाथ खड़े कर दिए, मतलब वो बोलते हैं अपने दिवालिया हो गया, तो ठाकुर यहां पर लास्ट में अपने आप को क्या बोला, इंसॉल्वेंट, मैं दे नहीं पाऊंगा। इसमें टोटल कितने एंट्रीज आएंगे, 1 by 1 क्वेश्चन आपने किया है अभी, आपके एकदम दिमाग में फ्रेश है, तो अपने सही बोल रहा हूँ कि एक एक करके लाइन लाइन टू लाइन चलूँ, जहाँ डाउट होगा वहाँ जरूर क्वेश्चन रेज कर लीजिएगा, सर मेरे को तो नहीं आ रहा है, बट आई बिलीव कि किसी ने तैयारी करके आया होगा तो वो अपना ठीक प्रॉपरली चेक कर पाएगा, बता पाएगा कि हाँ सर ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल इसमें इंटरेस्ट कितना वो देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एंट्री है, 9 मार्क्स है हर एक एंट्री के लिए, ध्यान दीजिएगा। और यदि 9 एंट्री किसी ने राइट किया तो 9 मार्क्स फुल करेक्ट हुआ, सब कुछ सही सही किया तो उसको 1 मार्क्स बोनस, समझ गए, 1 मार्क्स रिजर्व है,
9 मार्क्स ही अवार्ड होंगे। अब यदि मान लेते एक एंट्री भी गलत हो गया तो आप मत पूछिएगा सर उसको वो लास्ट में बोनस देना है क्या। बोनस तभी देना है जब उसका 9 एंट्री परफेक्ट हो। किसी ने नरेशन नहीं दिया तो इस बार नरेशन के लिए 1/4 माइनस होगा। कितना माइनस होगा? 1/4। लास्ट एग्जाम में हम लोग हाफ हाफ कर दिए थे। नरेशन छोटा होता है, एंट्रीज में ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है। नरेशन नहीं दिया 1/4 डिडक्ट कर दीजिएगा। कुछ भी लिखा हो आप दे दीजिएगा उसको फुल मार्क्स। ज़्यादा मतलब वो गलत लिखा हो, सही लिखा हो, एंट्री सही लिखा है तो वी एक्सपेक्ट कि नरेशन भी सही लिखा होगा। और यदि एंट्री गलत है तो नरेशन पढ़ने का ज़रूरत है क्या? नहीं। तो ऐसा नहीं है कि अलग से नरेशन का कोई मार्क्स है फिर कि एंट्री गलत नरेशन का हाफ दे दो। नहीं, नरेशन नहीं दिया तो माइनस होगा। चलिए आप मैच करना शुरू करिए। डेट का पूरा ख्याल रखिएगा। किसका ख्याल रखिएगा? डेट का। पहला एंट्री बिल्स रिसीवेबल डेबिट होगा टू ठाकुर होगा। यहां पर क्या हुआ, ठाकुर ने बिल ड्रॉ किया था और सॉरी पंडित ने ड्रॉ किया था एंड ठाकुर ने एक्सेप्ट किया। आप देख रहे हैं कैसे लिखा जाता है। मैं भी एग्जाम ही दे रहा था थोड़ा देर आपके बगल में बैठ के ऑफिस में, मैं अभी आपके सामने ही सॉल्व, मतलब आपके सामने तो नहीं बोल सकता बट मैं उधर सॉल्व कर रहा था। ये अच्छा लगा, ये मेरा हैंड राइटिंग है, मैंने लिखा। हाँ, बातचीत करते हुए कर रहा था ऑफिस में तो स्पीड स्लो हो जाता है। मैं ये भी जस्टिस कर रहा था कि एक बच्चा कितना देर में कर सकता है। मैं स्लो राइटर हूँ, मतलब कि बहुत फास्ट नहीं लिख पाता हूँ। ये मेरा बचपन से प्रॉब्लम है कि मैं जब फास्ट लिखने जाऊँगा तो मैं बहुत गलती कर दूँगा, मतलब स्पीड नहीं आता है राइटिंग में। तो मतलब आता है बट स्पीड नहीं आता है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे लिखता हूँ। फिर भी मैं देखा आराम से 17-18 मिनट में हो जा रहा है 10 मार्क्स का सम्स, तो 18 मिनट अलॉटेड होता है। आप देख लीजिए मार्क्स इंटू 1.8, 10 मार्क्स का होने से 1.8 मिनट से मल्टीप्लाई करिए, एक मार्क्स के लिए 1.8 मिनट्स होता है। उसी हिसाब से आपको पेपर दिया गया था, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका पेपर 2 घंटे का नहीं था, 1 घंटा 40 मिनट का पेपर था। ये पहला एंट्री देख लीजिए, करेक्ट होने से एक मार्क्स देंगे आप 1। जहां पे पूछना है डेट का ध्यान रखेंगे, 4 जनवरी को जाके डिस्काउंट कराया, डिस्काउंट कराने का एंट्री यदि करेक्ट है तो 1 मार्क्स। फिर उसके बाद रेमिट कर दिया हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, डिस्काउंटिंग चार्ज यहां पर ऐसे भी दिखाया है तो चलेगा, नहीं दिखाया तो भी 1 मार्क्स दे दीजिए। यदि कैलकुलेटर में भी कर लिया है तो इसके लिए वर्किंग मुझे नहीं चाहिए कि 180 रुपये डिस्काउंटिंग चार्ज लगता है फॉर गेटिंग 11,820, तो हाउ मच इज द डिस्काउंटिंग चार्ज फॉर 5,910, आधा दिया था तो क्या आएगा 1 मार्क्स। अमाउंट रॉन्ग होने से 0 सर, उसका मार्क्स नहीं है। हमने क्या बोला, अब क्वेश्चन मार्क मैंने रखा ही नहीं है चेकिंग का, मैंने फर्स्ट पास्ट एक्सपीरियंस ही तो लोग सीखता है, पास्ट एक्सपीरियंस से मैं सीख रहा हूँ, वो ये बेस्ट वे है। सॉल्यूशन रख कर बात करो, बच्चा लोगों को समझ में आएगा। अब मैं ही सॉल्यूशन यहीं पे करूं तो बच्चा लोग क्या करेगा, माथा खराब कर देगा, सर ये नहीं है वो नहीं है ऐसा नहीं है, मैं सॉल्व करने में बिजी हूँ, माथा खराब कर देगा बच्चा लोग। एक एक चीज करेक्ट है, एक एक चीज का मार्क्स डिवाइड कर दिया, इनकरेक्ट है आधा सही है आधा, वो सब आधा नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा फुल नहीं तो 0। और इतना तो स्प्लिट कर दिया, अब क्या उसमें भी स्प्लिट करूँगा 1 के अंदर में 54-58 ऐसे करूँ बेटा? नहीं, नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। तो 1 मार्क्स ठाकुर टू बिल्स पेबल। ये मुझे ठाकुर ने एक बिल ड्रॉ किया मेरे ऊपर 1 महीने के बाद, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था 4,800 का। फिर उसके बाद वो बिल डिस्काउंट कराया ठाकुर, याद करो आप क्वेश्चन में थे तो, ठाकुर ने वो बिल डिस्काउंट कराया और डिस्काउंट कराने के बाद आधा मुझे दे दिया प्रोसीड्स, दिया ना, तो आधा दिया तो आधा रिलेटेड कॉस्ट भी मेरा है ना। तो मेरे हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया था 72 सही है, तो 36 रुपये आया था। तो ये हो गया बैंक डेबिटेड डिस्काउंट, ये होने से आप 1 मार्क्स दे दीजिए। सर नरेशन नहीं होगा तो आपको पता है 54 काटना है, 3/4 कर दीजिए, 1 तो होगा नहीं, 0.75 होगा इनिशियल में लिखा हुआ, मतलब नहीं सर ये सब आप मार्क करिए, मार्क करके काट दीजिए उनको, बीपी लिख दिया, बीआर लिख दिया खाली,
तो हम भी तो लिख सकते थे, हम तो अभी दिखा रहे थे कि सैंपल पेपर कैसा होना चाहिए। BRBP लिखने का थोड़ी होता है। हमको दो क्या करेंगे, हम तो जिसको देख रहे हैं उसी का मार्क्स देंगे। हमने ठाकुर हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे तो पूछा पंडित, हम तो पंडित का खाली चेक करेंगे, ओनली पंडित। BRBP आप गोल करके एज ए कंसोलेशन होता है ना, हाँ सहानुभूति है मेरा, तुम सही जा रहा था, बट उसको आधा आधा कर दो बेटा। किस लिए कट गया आधा आधा मार्क्स? क्योंकि वो पूरा नाम नहीं लिख रहा था, BP लिख दे रहा, BR लिख दे रहा, कटेगा आधा आधा, काट दीजिएगा, हाफ दीजिएगा उसको, ठीक है बेटा। किसी ने यदि एब्रिविएशन यूज़ किया है, इसलिए खास करके ये सब चीज़ पे आप BR और बिल्स पेबल पे आप इतना शॉर्टकट नहीं मार सकते। एग्ज़ाम दे रहे थे और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस बार टेस्ट इतना लेना चाहता हूँ, इतना लेना चाहता हूँ कि आपको ऐसा लगे कि ये पेपर क्या है, पानी है मेरे लिए। जिस दिन आप एग्ज़ाम लिखो उस दिन आप ये बोलो कि पेपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इट्स ईजी टू मी। और ये तो तभी होगा जब आप बार बार टेस्ट दोगे और अपना गलती के ऊपर काम करोगे। एक बच्चा स्केल से लाइन टान रहा था, तो मैं वहाँ पे मुझे गुस्सा आ रहा था उस समय जब मैं क्लासरूम एंटर किया था। मैं बोला ना कि ये कौन सा अप्रोच है, ये लेथर्जी का अप्रोच आपका हो सकता है, मैं बहुत सीरियस हूँ टेस्ट को लेके, आप शायद लेथर्जी का अप्रोच से टेस्ट दे रहे हैं। आप लाइन मत टानो, इसे अच्छा अलाइनमेंट मेंटेन करो, बट गंदा अप्रोच मत करो। मैं भी तो किया हूं, तो मैं तो ऐसे लिख लिख के कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेट का भी ख्याल रखिएगा। इसने क्या किया, फर्स्ट बिल ऑनर्ड कर दिया ठाकुर ने, तो उसका एंट्री हो गया ठाकुर टू बैंक, ये देख लीजिए। यदि करेक्ट है तो 1 मार्क्स दीजिए। 4/5 को ये वाला हुआ, जानते हो कौन सा बिल, जो ठाकुर ने एक्सेप्ट किया था बट ऑनर नहीं किया। तो मैं नरेशन में लिखा हूँ, बींग डिसऑनर्ड बिल टेकन ऑन ड्यू डेट, वो डिसऑनर्ड हुआ, मैं ले लिया और मैं पे कर दिया, तो मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया और मैंने ठाकुर को डेटर बना लिया। 4/5 को हमने जो एक्सेप्ट किया था वो तो पे किया ही है, उसका ड्यू डेट आएगा 4 मई को, इसलिए यदि ये एंट्री करेक्ट है तो 1 मार्क्स दीजिए। फिर है BR2 ठाकुर टू इंटरेस्ट, डेट गलत होने से हाफ माइनस कर दीजिएगा, मतलब 1 जहां जा रहा था वहां हाफ हो जाएगा। ये देखो फुल करेक्ट दिखे ना, सुनो बेटा अब एकदम दिमाग में डाल लो, यदि ये फुल करेक्ट दिखे तो 1, ये गलत हो गया और ये सही है हाफ, ये गलत हो गया, नरेशन भी गलत हो गया, ठीक है, तो भी हाफ जाने दो, ठीक है। लेकिन ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, क्या चीज़ का मार्क्स? खाली BR लिखने का मार्क्स थोड़ी है, 0। आप समझ गए क्या करना है, या तो 1 होगा या तो हाफ होगा या तो 0 होगा, 3 ही ऑप्शन है, इधर 1 और हाफ और 0। चलिए यहां पर 1 मार्क्स दीजिए। यदि BR डेबिटेड, ठाकुर डेबिटेड एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड हुआ, यदि किसी बच्चे ने इंटरेस्ट का एंट्री अलग से किया ठाकुर टू इंटरेस्ट, तब वो ये एंट्री आपको दिखाई देगा BR डेबिटेड टू ठाकुर 8500 से दिखेगा और यहां पर इंटरेस्ट नहीं आया होगा। यदि किसी ने, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए भी 1 दे देंगे और इसके लिए भी 1 दे देंगे। फिर यदि अलग से उसने एंट्री किया होगा ठाकुर टू इंटरेस्ट 100 रुपया, तो उसका आधा मार्क्स पूरा करेक्ट होने से, और ये वाला एंट्री का आधा मार्क्स मैंने डिवाइड कर दिया। अगला यदि कंपाउंड को तोड़ दिया 2 पार्ट में, तो अपने क्या करेंगे भैया, 2 जगह एक एक मार्क्स थोड़ी बैठा देंगे। उसने वो काम को स्प्लिट करके वो अपना मेहनत बढ़ाया है और मार्क्स कम अटेम्प्ट किया, अपना टाइम वेस्ट किया है, तो वो उसका लुकआउट है। अपने दोनों ऑप्शन में यदि इस एंट्री को कोई तोड़ के 2 एंट्री बनाया है, तो भी दोनों एंट्री मिलाकर 1 होगा। किसी ने कंपाउंड करके ऐसे किया है तो भी उसे 1 ही मिलेगा। आई थिंक मैं क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे पा रहा हूँ कॉपी चेक करने में, या क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में? सर मैंने तो पहले ही बोल दिया, खाली इंटरेस्ट का किया होगा ठाकुर टू इंटरेस्ट, तो आधा दे दीजिए उसको,
है ना, यदि इस एंट्री को कोई तोड़ दिया तो मतलब कि तोड़ने का मतलब क्या हो गया, ये एंट्री ऐसे ना करके वो ऐसे किया हो, मैं बोल दे रहा हूँ, उसने ऐसे किया होगा, ठाकुर डेबिटेड एंड किसको क्रेडिट किया होगा इंटरेस्ट कितने से, 100 से, और फिर एक एंट्री किया होगा BR डेबिटेड 8500 टू ठाकुर, यदि किसी ने स्प्लिट करके किया तो भी आपको मैं बोल रहा हूँ आप यहाँ पर उसे इसके लिए हाफ, इसके लिए हाफ, किसी ने कंपाउंड किया ऐसा किया तो 1, किसी ने तोड़ तोड़ के किया तो आधा आधा, किसी ने एक पार्ट किया दूसरा पार्ट नहीं किया तो सिर्फ आधा डिजर्व करता, आधा मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, 8500 वाला बिल डिसऑनर्ड हो गया, 1 जुलाई को अगला अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है, कब किया है, 1 जुलाई को, लेकिन क्या इंसॉल्वेंट हो गया तो हम भी कूद के 1 जुलाई को पहुंच जाएंगे उसके पास कि सुने आप दिवालिया हो गए, बोला आप आए कैसे ड्यू डेट से पहले मेरे पास, यू कांट अप्रोच बिफोर ड्यू डेट, तो 4 जुलाई होगा। देखिएगा इस डेट पर ध्यान दीजिएगा, भोजन का गलती हो सकता है, सब 1 जुलाई को ही पहुंच गया होगा पैसा के लिए, अपने एक्सपीरियंस करते हैं ना, जानते हैं कहाँ गलती बच्चा करता है, तो ये 4 जुलाई करेक्ट होने से, ये इनकरेक्ट होने से, ये एंट्री राइट होने के बाद भी उसे कितना मिलेगा, हाफ, अदरवाइज डेट से ही एंट्री से ही आप उसे दे दीजिए 1 मार्क्स, राजेश सर को 1 मिला, और बैंक लास्ट में इंसॉल्वेंट हो गया, आधा मिला है आधा नहीं मिला है, उसका डेट है 30 सितंबर, देख रहे हो ना, कलेक्शन जाके 30 सितंबर को हुआ, वो बहुत प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंट होने वाले दिन ही सब एंट्री नहीं हो जाता है, तो देखिएगा कुछ लोग उसी दिन इसका भी एंट्री मार दिया होगा, या पता नहीं, ये शायद डेट सही होगा 30 सितंबर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये वाला गलत नहीं होगा क्योंकि वो तो लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन है, बुद्धि तो यहाँ लगाना था इस वाले डेट में, तो ये सही हो गया, बैंक डेबिटेड बैड डेट डेबिटेड टू ठाकुर, तो 1 मार्क्स दे दीजिए, टोटल कंप्लीट हुआ 9, सब एंट्री करेक्ट हुआ तो 1 बोनस, और टोटल यहाँ पे बैठाएंगे राजेश सर को मिले हैं 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 में, नहीं मिलेगा बोनस, 9 दे दीजिए उनको, कौन है कॉपी में, और पहला में कितना मिला, 2, ठीक है, कोई पाया है 10, कोई भी एनीवन, 9, एक कॉपी 9 का है, 8, 7, 6 मिला है आपके कॉपी में, दिए आप, और 5, 5 और 4.5, 4, 3, 2, 1, 0, 0 दिए हैं किसी कॉपी में, अटेंड ही नहीं है तो 0 ही तो हुआ ना, सीधा बात हो तो 0 में हाथ उठाना चाहिए, हाँ सर ये तो 0 पाया, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया डन। क्या ये बताओ डिफिकल्ट सम था, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आपको क्या आना चाहिए था, करंट सिनारियो में मुझे प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट ठीक कर लो फ्यूचर ठीक हो जाएगा, पास्ट को मत सोचो, सम्स में जो बच्चा अकाउंट्स करने के लिए एक ही चीज चाहिए, मेरा प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट में बोल रहा है कि पास्ट में तुमने ऐसा किया था, तो क्या किया था भाई, थोड़ा बोल तो पास्ट में क्या किया था, तो अपने पास्ट में जाकर देखते हैं कि पास्ट में क्या किया था, जब तक नहीं बोले ना नहीं देखते, बोला आपका ओपनिंग बैलेंस जो था और जो सेल का अमाउंट है वो सेटल हो जाएगा, बोला ठीक है, वो पास्ट में बोला सेटल हो जाएगा, तो अपने पास्ट में चले गए और सेटल करेंगे, पास्ट में जाके क्या करेंगे, सेटल करेंगे, तो ये चीज तो तभी संभव है, ये चीज तो तभी संभव है जब आप प्रेजेंट में रह रहे हैं, और पास्ट में ढूंढने बोले तो ढूंढ लेना भाई, जैसे बोला 50% डूब गया, 50% मिलेगा,
तो हम तुरंत देखें कि मेरा पास्ट क्या है, वो पास्ट बोल रहा 8,500 का बिल, उसका आधा नहीं मिला, आधा डूब गया, डिसऑनर्ड कर दिए फिर आधा, तो वो पास्ट में जाकर बैलेंस निकाले, ऐसे जबरदस्ती पास्ट में नहीं जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था, फिर से जनरल इंटीजा है, मैं जनरल छोड़ता नहीं हूँ, हमेशा आपका साथी जर्नल एंट्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 3A, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000 टू चारू एट ए प्रॉफिट ऑफ 30। अच्छा पढ़ क्यों रहा हूं मैं, आप तो पढ़ चुके हैं, बनाई नहीं हम बनाए, मैं बनाया हूँ, मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व किया ना बेटा, तो 3 में ये भी सॉल्व है, मैं लाइन से सॉल्व कर रहा था, ये नहीं था कि पहले वो करूँगा पहले वो करूँगा, वो तुम लोग चॉइस किया होगा, मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरे को तो तैयार करना था सॉल्यूशन। तो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,20,000 टू चारू एट ए प्रॉफिट ऑफ 33.3% ऑन कॉस्ट, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड चार्ज, 8% जीएसटी। जीएसटी कब लगता है, किस पे लगता है, नेट प्राइस पर लगता है डिस्काउंट के बाद। तो 1,20,000 है, 1,20,000 के ऊपर 33.3% कॉस्ट पे परसेंटेज दिया हुआ है, तो 1,20,000 का 1/3, 33.3% का मतलब होता है 1/3, तो 40,000 प्रॉफिट मार्जिन आया 1,20,000 का 1/3, 40,000 ऐड कर दिए, तो 1,20 + 40 = 1,60,000 में 15% ट्रेड डिस्काउंट कर दिए, तो 160 मतलब कि 24,000 डिस्काउंट हो गया, तो 1,36 हुआ। 1,36,000 के ऊपर जीएसटी 8% लेंगे, क्या जीएसटी मेरा इनकम है, मेरा रेवेन्यू 1,36 है, बट सामने वाला से गवर्नमेंट बोलता है 8% टैक्स कलेक्ट कर, टैक्स कलेक्ट कर, टैक्स कलेक्ट कर, हम बोले हाँ सर करता हूँ करता हूँ, तो जीएसटी इज लाइबिलिटी टू मी, बट मैं सामने वाला से 1,36,000 प्लस जीएसटी लूंगा। सॉल्यूशन देखिए इन द बुक्स ऑफ कनिष्क जर्नल एंट्री, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3 ये, चारू को मैं डेटर बनाऊंगा, चारू डेबिटेड, मैं दिखाया हूं यहां पे वर्किंग भी कर दिया हूं कि सेल्स कैसे आया 1,36,000, सेल्स 1,36,000 एंड जीएसटी का अमाउंट 1,36,000 के ऊपर 8% इज अ लाइबिलिटी, बट दैट आई विल कलेक्ट फ्रॉम चारू, इसलिए चारू को डेटर बनाएंगे, और चारू ना भी दे आई एम लाइबल टू जीएसटी डिपार्टमेंट, रिमेंबर दिस पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, मैं इनकम टैक्स एक्ट, सॉरी इनकम टैक्स नहीं, जीएसटी के हिसाब से पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होता है सेल होना, ये आपका लुकआउट है, आप उधार में बेच रहे हो, गवर्नमेंट बोलता है मेरा जीएसटी चाहिए, पैसा ना भी आए बाद में उधारी कलेक्ट ना भी हो मुझे जीएसटी जमा कराना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे भाई आएगा उस दिन हम लाइबिलिटीज दिखाएंगे, ना भी आए तो भी लाइबिलिटीज है बेटा, कल डूब जाए गवर्नमेंट आपको नहीं छोड़ेगा, गवर्नमेंट बोला कैसा चोर को बेचा तुमने जो जीएसटी चोरी कर लिया, इसलिए आपका लाइबिलिटीज है बेटा, बट आप साथ में डेटर्स खड़ा हो रहा है, कलेक्शन का होप है, पहले मालूम हो जाए कि जो खरीदार है वो तो चोर है, तो आप शायद जीएसटी को मतलब चारू को डेटर मतलब गुड्स बेचते ही नहीं, यदि ये करेक्ट होता है 1,46,880, 1,36,000 and 1,0880, ये सब करेक्ट है, नरेशन करेक्ट है, तो अभी मैंने मार्क्स तो बोला ही नहीं, बोलने दीजिए 5 है तो उन्हें 1 मार्क्स मिलेगा, पूछिए सीजीएसटी और एजीएसटी कर दिया है, मैंने आधा आधा बांट दिया, वो बच्चा प्रैक्टिकली करता होगा इसलिए उसने क्या किया, सीजीएसटी और एजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स किया है, उसके लिए नहीं डिडक्ट करेंगे हम देंगे, लेकिन बच्चा से मेरा हिदायत है वो प्रैक्टिकल करते हो, बहुत अच्छा बात है, और आई एम वेरी हैप्पी जो बच्चा किया होगा, जिसका भी कॉपी है कृष्णम का ही कॉपी है, दैट इज़ वेरी गुड, बट क्वेश्चन में सेग्रीगेट नहीं किया था तो आपको नहीं करना चाहिए, यू शुड गो विद द क्वेश्चन, आई नो सो मेनी थिंग्स बट आई हैव टू समटाइम्स आई हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द सम्स, लाइक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स मुझे नहीं करना चाहिए, मैं जानता हूँ दैट इज रॉन्ग, क्वेश्चन बोला करो तो क्या बोलेंगे रॉन्ग है, हमने कर दिया हम पॉइंट आउट कर देंगे ये एथिकली रॉन्ग है, समझ गया, तो एक्स्ट्रा मत करना, अभी नहीं कट करेंगे,
अभी मार्क्स दे देंगे। हाँ बोलिए। सेल्स डेमो खोल दिया तो कोई सवाल ही नहीं, मेरे जैसा मैच करे तो दीजिए 1 मार्क्स, नहीं तो मत दीजिए। हम लोग कुछ देखेंगे ही नहीं, वो सब काट दीजिए उसका। कौन खोला है ये, किसका कॉपी है, जिसका भी हो छोड़ दो, अभी नाम मत लो। तो दैट मीन्स कि अपने ये स्टैंडर्ड है, आपके सामने सॉल्यूशन है। ऐसा मैच करता है 1 दीजिए, नहीं करता है 0 दीजिए। हाँ ऐसा लगता है कि ये सही है, थोड़ा अमाउंट भी सही है, थोड़ा लिखने में नरेशन में गलती कर दिया, 1/4 उड़ा दीजिए, 3/4 दे दीजिए, 0.75 दीजिए, हाफ दीजिए, ठीक है। बट इतने के अंदर ही सोचना है, और कुछ आगे दाएं बाएं लेफ्ट राइट चला गया तो कोई मार्क्स नहीं बनता है, ठीक है। वो सेल्स बुक में क्यों लिखा, हमने जनरल जर्नल और स्पेशल जर्नल स्पेसिफाइड नहीं किया। तो यदि वो स्पेशल जर्नल में जाकर रिकॉर्ड कर रहा है वो गलत नहीं है, बट वो एक्स्ट्रा ब्रेन लगा दिया। जब हम पतली गली लेके निकल सकते हैं तो हम चौड़े रोड पे क्यों जाए मरने के लिए। यहाँ तो हो गया इतना लाइन टान टान के, बच्चा का जिंदगी खराब हो जाए, मिलेगा तो 1 मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए 1 उसको मत दीजिए, काट दीजिए। कलेक्टेड कहाँ लिखा है, लिखता है तब अलग से बात करेंगे क्लास में, अभी तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पेपर, पेपर की बात कर रहे हैं अभी, क्लास में आपसे बात करेंगे सब बारे में, कोई टेंशन नहीं है। आगे नंबर 2 क्या हुआ था, हमने कैश में खरीदा है तो हमारे लिए परचेज अकाउंट डेबिटेड होगा, GST डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा, चेक दिए थे तो वो भी कैश ही है। यहाँ पर GST डेबिट क्या सेंस में किए हैं पता है, रिफंडेबल होगा, ये बाद में हम एडजस्ट कर पाएंगे ऑन माय आउटपुट सर्विसेज, इसलिए एसेट्स के सेंस में, डेटर के सेंस में ये डेबिट है, ये एसेट्स के सेंस में आया है यदि आप किए हो तो। बट यहाँ पर सेंस तो कोई पूछ नहीं रहा, यदि किसी ने एक्सपेंस सोचकर भी डेबिट किया है तो भी उसको तो मार्क्स मिलेगा ही ना, क्योंकि दिख रहा है तो यही। बट आप करते वक्त अभी इसलिए याद दिला रहे कि अभी आपने टेस्ट दिया एकदम ताज़ा ताज़ा, और ताज़ा ताज़ा दिए हैं तो देर इज़ अ चांस कि आप उसमें याद रह जाएगा, अभी जो गलती किए हैं आप जिंदगी भर याद रखेंगे कि हाँ मेरे से ये गलती नहीं होना चाहिए दोबारा। टेस्ट का मेन मकसद यही होता है कि आपका 10 गलती भी आपने यहाँ पर सीखा कि आई हैड कमिटेड दीज मिस्टेक्स, जो मुझे नेक्स्ट ध्यान रखना है। कभी जिंदगी में अब नहीं भूलेंगे कि कोई एसेट्स यदि हमने 2003 में खरीदा तो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमेशा सोचेंगे ओ खत्म हो गया क्या, वो उसका जिंदगी शायद खत्म हो चुका, इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो चुका, तो उसका वैल्यू देखेंगे कि आज क्या वैल्यू है, 0 है। 2 कैश लिखा है, चेक था तो उसको हाफ कर दीजिए, क्योंकि ये कैश नहीं लिख सकते हैं, कैश ट्रांजेक्शन जरूर है बट चेक से पेमेंट किया है। GST नहीं लिखे क्या किया, परचेजेस में ऐड कर दिया तो काट के 0 कर दीजिए। GST अलग से दिखाना होगा। सर हम लोग जो GST पे करते हैं, बिजनेस का थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज ले आइए, क्या होता है ना टैक्स अल्टीमेटली कौन पे करता है बताइए, कस्टमर, अल्टीमेट कस्टमर, एंड यूजर। तो एंड यूजर पे करता है, तो मैं मान लो कोई बीच वाला हूँ, मैं खरीदते समय आप समझो, यहाँ पे मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये है कस्टमर सर, किंग, कस्टमर हमेशा किंग होता है, ये आप हो सर, आप बाजार से खरीदोगे तो 2 लाख में खरीदा, सरकार ने बोला उस पर GST लगेगा, 16,000 रुपये का GST दे दिया, आपके जेब से कितना गया, 2,16,000, आपका जेब जो है ना, जेब पर्स हल्का हो गया कितने से, 2,16,000। तो बाद में तो अपना जेब तुम इससे लेकर, इसका जेब से लेकर अपना जेब में भर लोगे ना, तो 16,000 तुम्हारा खर्चा कैसे हो गया। इसका मतलब आज मेरा जेब हल्का हो रहा है बट मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि कल मैं अपना जेब भारी कर लूँगा, रिकवर कर लूँगा, किस से, अल्टीमेट कंज्यूमर से। मज़ा आया, समझ गए, इसी के पास ज़्यादा माल होता है। तो इसीलिए अपने इसको क्या किए,
ये मोटू है, बहुत मोटू बना दिया मैंने तो, ये मोटू से अपने क्या करेंगे, पैसा रिकवर करेंगे, कस्टमर खा खा के पैसा हो गया, मुर्गी का टांग लग रहा है, बहुत लेग पीस खाता है बेटा लग रहा है तू, मुर्गी दिख रहा है तुमको, वो साइंस वाला तो आज गायब ही है टेस्ट के नाम पर। अरे सब ये कॉलेज आप लोग ओरिएंटेशन सब पता है क्या पढ़ाता है कॉलेज, आप जितना कॉलेज को इम्पोर्टेंस देना दीजिए, बाद में मालूम चलेगा, बंद कर दीजिए, ये लीजिए कैच करिए, हाँ बिल्कुल जाइए, लेकिन आप पेपर किसी को दे दीजिए चेक करने के, ठीक है ठीक है। अच्छा आपका डाउट क्लियर हो गया सर, आप अपना क्वेश्चन पूछ लिए, समझ गए अच्छे से, क्वेश्चन में आ जाइए। इंश्योरेंस प्रीपेड है तो इंश्योरेंस प्रीमियम 5600, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2800 एंड बैंक होगा 8400, एक मार्क्स से होगा, दो एंट्री में किया है, मार्क्स एक दे दीजिए उनको, फुल दीजिएगा, यदि दो ये किया है, दो एंट्री किया है तो भी फुल मार्क्स दीजिए, उसने क्या किया होगा मैं बोल दे रहा हूँ, यदि किसी बच्चे ने किया है इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट 8400 टू बैंक 8400, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिटेड टू इंश्योरेंस 2800, फुल मार्क्स दीजिए सर, बट यही है कि दो एंट्री होने से दो एंट्री का मार्क्स नहीं मिलेगा, मिलेगा एक ही, दोनों को मिलाकर हाफ हाफ मिलाकर वन हो जाएगा, तो यदि किसी ने इसे तोड़ के दो एंट्री किया तो भी हाफ वन ही मिलेगा मैक्सिमम। चलिए सर आगे चलूं, और नेक्स्ट एंट्री होगा कैश टू सराफ, देखिएगा भोजन कर दिया हुआ कैश टू सेल्स, बट हमने किसी और के लिए गुड्स बेचा है तो मेरा सेल्स नहीं है, दैट इज नॉट माय रेवेन्यू, सीधी सी बात है समझने की कोशिश करो, डबल एंट्री नहीं सर, आप डबल एंट्री बोल रहे हैं कि पहले मेरे बगल में एक लड़की खड़ी है, मेरे दोस्त की वाइफ है, मैं बोल दिया मेरी वाइफ है, सही है क्या, और बाद में मैं एंट्री करके करेक्ट करके बोलूँ नहीं नहीं माई वाइफ कन्वर्टेड टू माई फ्रेंड वाइफ, ये सही नहीं होगा। पहला बात, आपके पास वो खड़ी है तो वो आपकी वाइफ नहीं है, दैट मीन्स कि हमने किसी का सेल किया गुड तो मेरा सेल नहीं है, समझना ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, इट्स नॉट माई रेवेन्यू, सो वाई शुड आई रिकॉग्नाइज इट एज माई रेवेन्यू, आई एम सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर सराफ, सो कैश तो मेरे पास आया बट वो मेरा नहीं है, मेरा रेवेन्यू भी नहीं है, सो ये बिलोंग किसको करता है, आई हैव टू रिटर्न बैक दिस मनी टू मिस्टर सराफ, दैट्स वाई दिस इज माई लाइबिलिटी, इसीलिए यदि किसी ने किया है कैश टू सराफ तो वन मार्क्स दीजिए उनको, नहीं किया है तो ऑब्वियस है काट के जीरो कर दीजिए। उसके बाद मैंने ये काम कर दिया तो मिस्टर सराफ डेफिनेटली मुझे कमीशन देंगे, तो मिस्टर सराफ ने इसके ऊपर कमीशन अनाउंस किया, कितना 5%, तो 5% और 50,000 इज इक्वल टू कितना 2500, तो 2500 इज कमीशन, तो कमीशन मैं लूंगा किससे, मिस्टर सराफ, तो मिस्टर सराफ बिकम्स माय डेटर, वो मेरे डेटर हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, मिस्टर सराफ बिकम्स माय डेटर, तो मैं उन्हें अपना डेटर बना लिया, बोलिए सर, नहीं सर अलग अलग होगा, कंपाउंड इफेक्ट क्या दिया है वो बोल दीजिए एक बार फिर भी सुन लेते हैं, कितने से कैश डेबिट कितना 50, पचहत्तर 500 नहीं 47,500 किसको सराफ को, ठीक है वो दो एंट्री को कंपाउंड कर दिए और करेक्ट है, उनको दो मार्क्स दे दीजिए, वो क्या किया दोनों एंट्री को कंपाउंड कर दिया, बट जब दो सेपरेट एंट्री, उनको जरूर नोटिस कर दीजिए कि पास सेपरेटली, क्योंकि जब दो जन एंट्रीज आपको अलग अलग इंसिडेंट बता रहा है तो आप दोनों को एक साथ कंपाउंड क्यों कर रहे हैं, एक ही पॉइंट में थोड़ी दोनों दिया हुआ है, समझ में आया, ये फुल करेक्ट हुआ, 5 एंट्री था 5 मार्क्स था,
क्वेश्चन नंबर 3B, डे बुक्स बनाना था, वो भी परचेज रिटर्न डे बुक्स। देख लीजिए, मैच करिए, यदि ये सही होता है, इन द बुक्स ऑफ भिवानी, रिटर्न आउटवर्ड बुक्स बनाना था अपने को। रिटर्न आउटवर्ड बुक में डेबिट नोट नंबर होता है, ये जरूर चेक करिएगा। अगला इनवॉइस नंबर लिख दिया होगा। सेल्स, आपको याद होगा मैंने आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में पढ़ाया था, जब डे बुक्स, यदि आप वीडियो देखे होंगे मेरा, यदि आप लाइव क्लास किए होंगे तो लाइव में, नहीं तो वीडियो में। जा सजना तुझको भुला दिया, एक गाना का मैंने रेफरेंस भी लिया था, पुरानी हीरोइन लोग गाती थी, जब उसे धोखा मिलता था तो उस समय ये गाना गाती थी, ठीक है। और अब तो वो गाएगी नहीं, मान लो तुमने यदि तलाक दे दिया तो क्या गाएगी, जा सजना तुझको 3 साल के लिए भिजवा दिया, यानी अंदर करवा देंगे। इसका मतलब क्या है कि यहां पर आप डेबिट नोट नंबर हम लोग कब देते, वो बताया था मैंने, डेबिट नोट नंबर हम देते हैं तब जब हम उसे अपने क्रेडिटर को डेबिट करते हैं। नॉर्मल नहीं, नॉर्मल परचेस करते हैं तो मेरा क्रेडिट होता है क्रेडिटर्स, लेकिन गुड्स रिटर्न होना इज नॉट अ नॉर्मल रीजन, इसीलिए रिटर्न करते समय अपने वहां पर एक रीजन का कॉलम होना चाहिए, डेबिट नोट नंबर होना चाहिए। यदि किसी ने डेबिट नोट नंबर कहां नीचे, मतलब यहां रीजन का कॉलम नहीं बनाया और अलग से डेट डाल डाल के लिखा है, बार बार यहां लिखना अलाउड नहीं होता, यही होता है सर, और गलती से सीखेगा कैसे उसको, आप सीधा सीधा हर बार आप ऐसे अवार्ड नहीं कर सकते। मैंने बोला ये पेपर रैंक के हिसाब से सेट किया हुआ है, किसके हिसाब से, रैंक जो 90 प्लस सोचते हैं अकाउंट्स में, उनके लिए बनाया गया। ऑर्डिनरी स्टूडेंट 50-60 लाने का सोच रहे होंगे तो उनके लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट पेपर हो गया। किसी तरीके से पास होने का सोच रहे होंगे, उनके लिए डिफिकल्ट है, तो पास होकर करेंगे क्या आगे, करोगे क्या यदि यहां पे अच्छा नहीं करोगे तो, ठीक है। यहां पे रीजन का कॉलम होगा, यहां पे डेबिट नोट नंबर होगा, डिटेल्स अमाउंट ये सारे होने वाले हैं बेटा। अब देख लीजिए, ये सारा सुन लीजिए, ये डेट मैच करता है, ये यदि उन्होंने सही सही लिखा डेबिट नोट और रीजन कॉलम लिखा तो 1 मार्क्स दे दीजिए, नहीं है तो 1 मार्क्स नहीं देना है, इनवॉइस नंबर का मार्क्स नहीं है बच्चा। अब 4 हमें कहाँ पे देना है, वो 4 बता रहे हम। ये अमाउंट मैच कर जाता है तो उन्हें 1 मार्क्स दे दीजिए, ये अमाउंट मैच कर जाता है और ऐसे हेडिंग दिया हो उन्होंने और कुछ भी माइनस होगा तो माइनस आपको पता ही है, आधा उड़ा देना है, 1 मार्क्स दे दीजिए, ये राइट हो जाता है सर, काट के 0 हो जाएगा क्या, मैं गलत किया हूँ क्या जी, बोलो कौन सा, ओ ठीक है बेटा ठीक कर लो, 7000 तो ये कितना हो गया, 15, ये 7000 तो 7000 हो गया, यदि 7000 मैच करता है तो 1 मार्क्स, ये 1 मार्क्स, एंड इसके बाद आपका है ये नोट के लिए 1 मार्क्स। अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम नवनीत इंटरप्राइजेस रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल प्रॉपर, वो रिटर्न आउटवर्ड बुक में नहीं आएगा। यदि वो नोट देकर और ये एंट्री कर दिया है नवनीत इंटरप्राइज डेबिटेड टू परचेजेस, क्योंकि हमारा परचेजेस ज्यादा से हो गया, वो बोला हुआ है 620 ज्यादा है इनवॉइस, तो हमने परचेज डे बुक में ज्यादा लिख रखा है, तो परचेज डे बुक में ज्यादा लिखा है तो एज ए रिजल्ट मेरा परचेज ज्यादा है, उसको भी ठीक करना है और नवनीत को भी ठीक करना है। तो ये नोट अलग से लिखा है तो उसका 1 मार्क्स, 5 मार्क्स का मैंने ब्रेकअप बताया आपको, ठीक से देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। बोलिए सर, टोटल का कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे सर ना, आपका ये मैच करता जाएगा वो ठीक है, उसका गलती है आप रिमार्क कर दीजिए, बट चलिए मार्क्स लिख लिए। क्वेश्चन के बगल में लिखिए इसका कितना आया, राजेश सर को 5,
कहाँ चाह रहे हैं? वो उसका मार्क्स कटा ही नहीं तो 1, 2, 3, 4, 5 हुआ तो इसका वो कहाँ सही हो गया? देखो ठीक से वो मैं वहां पर थक गया था। 1, 2, 3, 4 एंड 5 राजेश सर को 5 मिले हैं। और वैसे ही 3B में, 3A में भी 5 मार्क्स मिले मुझे, ठीक है। सो ब्रेक के पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर चुके हैं और आफ्टर ब्रेक क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 फाइनल अकाउंट था और ये फाइनल अकाउंट में आपको बेसिकली आपका बोल सकते हैं इजी से थोड़ा ऊपर और डिफिकल्ट से थोड़ा नीचे ये फाइनल अकाउंट था। ये मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये फाइनल अकाउंट बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का फाइनल अकाउंट मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था। सो क्वेश्चन पेपर में आप यदि देखेंगे एक बार तो आपको आइडिया लगेगा कि फाइनल अकाउंट बेसिकली इसके अंदर में जो इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, मार्क्स कैसे देना मैं बोल रहा हूँ, पहले चेक करा रहा हूँ। सबसे पहले आप ना एक एक मार्क्स दे दीजिए, फिर कहीं डाउट्स होगा तो अपने डिस्कस करेंगे। पहले यदि किसी का ग्रॉस प्रॉफिट मैच कर गया हो ये, और सब कुछ प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, मतलब सब कुछ लिखा है और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो उसे फुल मार्क्स दीजिए 3। आप बोलते हैं नहीं सर बहुत क्लमजी कर दिया है, थोड़ा सा गंदा कर दिया और फिगर लाया है, बट प्रेजेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके किया है, तो उसको आप देंगे 2.5। आंसर यदि आया है तो 3, और आंसर यदि उसका मैच नहीं कर रहा है, अब बात होता है कि सर इसमें से तो चेक पॉइंट हम देखें तो अब 3 पहले बात हो गया, टोटल की बात हो गई, अब अंदर चलते हैं। यदि उसका फाइनल अकाउंट में ये सही है, ये सही है, ठीक है, और ये सही है, तो गलत क्या हो सकता है और गलत होने का चांस क्या है? अब इसमें से टोटल 5 टिक लगा, ठीक है, 5 में से 2.5 या 3 नंबर दिए हम लोग। यदि लगता है कि 2 सही है बाकी सब वो गलत ही किया है, 1 मार्क्स दे दीजिए। कॉन्सोलेशन प्राइज होता है ना, कॉन्सोलेशन मतलब 3 में से यदि 1 मिला तो 33 1/3% तो बच्चा डिजर्व करता ही है ना। तो यदि सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिख दिया है, 1-2 फिगर सही है, तो उसको 1 मार्क्स दीजिए। और यदि एकदम ही नहीं मैच कर रहा है तो उसको आप कुछ भी नहीं है तो 0। मतलब 1-2 मतलब वो तो ऐसा हो गया कि सेल्स तो आता ही है वो कर दिया गया, तो वैसा नहीं, 0 भी दे दीजिए आप, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? खाली फ्रेट एंड कैरेज नहीं बाकी है ना, तो आपको क्या करना है? मैंने बताया टोटल 2.5 मार्क्स है, फुल प्रेजेंटेशन सही होने से 3 है, 2.5 में से 1 उसका गायब हो गया, तो उस केस में उसको 1 मार्क्स गायब कर दीजिए, 1.5 दे दीजिए। या मैं ऐसे नहीं करूंगा, अब ग्रॉस प्रॉफिट मैच किया 3 दीजिए। चलिए फिर से फ्रेश चेकिंग करिए, ग्रॉस प्रॉफिट आंसर मैच किया 3 दीजिए, क्लमजी है 2.5 दीजिए, गलत है 0 कर दीजिए, ठीक है, कोई क्वेरी ही नहीं आएगा। 3, 2.5, 0 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आ जाइए। अब ग्रॉस प्रॉफिट यदि कोई नहीं मिला पाता है और फाउंडेशन में है तो भी तो दुखद ही बात है ना, इसमें कहाँ कॉम्प्लिकेशंस था? आप मुझे बता दो कि ग्रॉस प्रॉफिट लाने में कॉम्प्लिकेशंस था। तो यदि वो मार्क्स आपको अवार्ड किया गया और कोई बच्चा उसको नहीं ला पाया है तो एक बात बताओ, टीचर क्यों ना काटे? आप उसका भी तो रीजन दो, क्या सेल्स लिखने का वाला है? तब तो कोई बोलेगा परचेजेस लिखना था सर, PUR लिख के खाली छोड़ दिया, ठीक है।
हाफ मार्क्स प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए करेक्ट है तो, और मतलब ढाई आएगा नॉर्मली करेक्ट होने पे, अच्छे से प्रेजेंट किया सब कुछ लिख लिख के किया तीन दे दो, थोड़ा सा शॉर्टकट भी मारा है तो ढाई दे दो। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कई चेक पॉइंट है, एक एक चेक पॉइंट का अलग अलग मार्क्स कर देते हैं। जैसे यदि उसने सैलरीज एंड वेजेस 20,200 लिखा है, 20,200 लिखा है सैलरीज एंड वेजेस, तो उसको आप हाफ मार्क्स देंगे, केवल इसी का हाफ मार्क्स है सर, आप समझिए, कंफ्यूजन वाला मैंने रखा ही नहीं है ताकि ये कोई वीडियो देखकर भी अपना क्वेश्चन पेपर चेक कर सकता है आराम से। इंटरेस्ट ऑन लोन यदि उसका 4,800 है, किंतु परंतु होगा नहीं, या तो कटेगा जीरो होगा यदि ये फिगर नहीं होगा, या तो हाफ होगा, एकदम क्लियर कट है बेटा, किंतु परंतु का कोई स्कोप नहीं, आप सुन रहे हैं ध्यान दीजिए। यदि आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट पीएल अकाउंट के अंदर में सैलरीज एंड वेजेस का 20,200 बाहर कॉलम में डायरेक्ट फिगर है, 20,200 बाहर में है, बाहर नहीं लाया तो जीरो बाहर में तो लाना पड़ेगा ना, हाफ उसको नहीं मिलेगा, आप मार्क्स मत दीजिए, ठीक है। ये 4,800 हमें फाइनल कॉलम में चाहिए, ये कोई नहीं भी दिखाया होना चलेगा, बट फाइनल कॉलम में बेटा उसे 20,200 लिखना पड़ेगा उसका। मैं ये एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहा हूं अभी, ये चेक पॉइंट है, एक एक चीज का मार्क्स तोड़ के बता रहा हूं। यदि किसी ने इंटरेस्ट ऑन लोन 4,800 लिखा है आउटर कॉलम में, तो उसको हाफ दीजिए। किसी ने प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग आउटर कॉलम में लिखा है तो उसको हाफ दीजिए, 15150 होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, सर ये लिखा वो नहीं लिखा, ऐसा कोई कंफ्यूजन अब आ ही नहीं रहा, मैंने तो चेक पॉइंट बनाया है, ये मिल रहा है आगे चलो, ये मिल रहा है दो नहीं है तो जीरो, दो नहीं दो, सीधा कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, किसी को कुछ पूछना ही नहीं है, मैच करता है। तो इतना छोटा ब्रेकअप कर करके कॉपी चेक कराया जा रहा है कि आप ये वीडियो देखकर ही कॉपी चेक कर पाएंगे कि हम गलती कहां करते हैं, और रियल में कॉपी चेक ऐसे ही होता है, चेक पॉइंट होता है, यहां पर यदि ये मिलता है तो इनको इतना दीजिए, ये मिलता है ये नोट मिलता है तो उसका इतना मार्क्स दीजिए, एकदम डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट, ये सब कुछ नहीं है, चेक पॉइंट में नहीं आएगा, इंश्योरेंस चेक पॉइंट में आएगा 900, यदि ये करेक्ट है तो इसको हाफ दीजिए। लॉस ऑन एक्सचेंज आएगा 620 है यदि, तो हाफ दीजिए, नहीं है तो आप मार्क्स नहीं दे रहे हो, ढूंढ रहे हो लॉस ऑन एक्सचेंज दिख रहा है तो हाफ दीजिए, नहीं दिख रहा है तो मत दीजिए। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1344 दिख रहा है यदि आपको 1344 तो हाफ दीजिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यदि 2540 दिख रहा है तो हाफ देंगे आप उसे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 874 दिख रहा है तो हाफ मार्क्स आएगा उसका। इंटरेस्ट ऑन एफडी यदि दिख रहा आपको तो हाफ मार्क्स देंगे। टोटल यदि हम काउंट करेंगे, अभी पीएल में मेरा कितना मार्क्स मैंने दे दिया तो देख लीजिए एक बार, कितना है टोटल हाफ वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुआ या 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 4.5 मार्क्स, तो ये चेक पॉइंट का हो गया। और यदि किसी बच्चे का, अब बाकी सब चीज का कोई मार्क्स नहीं है, बाकी सब चीजों का कोई मार्क्स नहीं है, अब यदि क्योंकि इतना चेक पॉइंट यदि वो नहीं कर रहा है तो करेक्ट कैसे किया होगा, तो बाकी सब चीजों के लिए बाकी वो लिखा है ना यदि, तो उसका टोटल मार्क्स होता है 1.5, तो बाकी आप 1.5 और एक्स्ट्रा उसको दे दीजिए, क्योंकि यदि बाकी सब चीज मेरे से मैच कर रहा है तो, जैसे 5080782014 00 ट्रेवलिंग का, पोस्टेज का, ये आप मैच कर लीजिए मेरे से, एक एक फिगर जो मैंने टिक नहीं मारा है उसके लिए टोटल के लिए मैंने 1.5 मार्क्स रखा है,
आई थिंक 6 मार्क्स पीएल के लिए एनफ। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 और 3 9, उधर में बैलेंस शीट अभी बचा हुआ है, अभी वर्किंग्स बचा हुआ है। क्यों बच्चा लोग, सही तरीका है ना चेकिंग का? कोई डाउट क्वेश्चन आ रहा है आप लोग को? एकदम ही अब क्वेश्चन ही नहीं आएगा, मैंने हटा दिया, नो चिल्ला मिली, नो क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। एंड यही तो मैंने पहला टेस्ट में आप लोगों से सीखा, दूसरा टेस्ट में मैं टीचर हूं नेचुरली, तो हमेशा सीखता रहूंगा और स्क्रोल भी कर रहा हूं। पहले तो यहां तक टिक कर लो और उसके बाद स्क्रोल कर रहा हूं कि आगे भी टिक कर लो। यदि ये सब नंबर्स जो बचे हुए रेसिडुअल नंबर्स है, ये ऑर्डिनरी कैटेगरीज के हैं, ये सब कोई देख कर लिख देता है। यदि ये उसका करेक्ट है, एक तो छोड़ भी दिया है, तो भी कॉन्सोलेशन प्राइज उसका 1.5 मार्क्स बनता है, 1.5। मैं नेट प्रॉफिट चेक करने ही नहीं गया कि सही है कि गलत है, मैंने हर चेक पॉइंट का मार्क्स दे दिया, तो और 1.5 मार्क्स राजेश सर को मिलेंगे। फुल करेक्ट होने से आपका 6 मार्क्स पीएल में आया, तो 3 था ट्रेडिंग का, 6 था पीएल का, 9। 4 मार्क्स बैलेंस शीट का है, कितना हो गया 13, और 2 मार्क्स वर्किंग्स का है, 4 वर्किंग्स होगा, 3-4 वर्किंग्स हाफ हाफ करके। चलिए, क्या मैं ऐसा मानूं कि आप लोगों ने चेक कर लिया कॉपी जो आपको मिला है? वेरी गुड, वेरी नाइस। प्रॉफिट कितना है? 4,9,192 है शायद, मुझे एक बार दिख नहीं रहा, फिर से जूम करता हूं, 4,9,492, मैं यहां से बता दे रहा हूं ना, 4,9,192, 4,92 नहीं है, 192, 4,9,192। चलिए बेटा बैलेंस शीट पर आ जाइए, ये सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा, तो आप अपना कॉपी सुधारने कोशिश मत कीजिए, आपको पूरा सॉल्यूशन शीट मेरे हाथों का लिखा हुआ एज ए ग्रुप में मैं भेज दूंगा। तो इसका मतलब है आपको छापने का भी टेंशन नहीं है, घर में समझने के लिए वो टाइम है और क्लास में वो समय, अभी तो टेस्ट का मार्क्स कभी आप थोड़ी पूछते हो सर, अभी आप लोग एग्जामिनर के तौर पर काम कर रहे हो, तो कोई थोड़ी स्टूडेंट पूछता है उस समय जाकर जब टीचर चेक कर रहा होता, सर इसमें कितना कम क्यों दिए, इतना ज़्यादा क्यों दिए, ये क्यों दिए, वो क्यों दिए, ऐसा क्यों किए, वैसा क्यों किए। सो वैसा वैसा ऐसा वैसा मैं कैसा कैसा हूँ ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपको अभी केवल चेक पॉइंट देखना है। यदि किसी बच्चे का ये करेक्ट है तो हाफ, जो कि होगा नहीं आपको पता ही है किसी का है, ऑलमोस्ट नहीं ये। इसके बाद यदि किसी बच्चे का ये करेक्ट है तो हाफ। फर्नीचर एंड फिटिंग्स का बैलेंस, क्वेश्चन में बच्चा क्या गलती किया होगा, लैंग्वेस्टिक से वो पढ़ा नहीं, डेप्रिसिएशन के लिए बोला हुआ था, डेप्रिसिएशन ऑफ 10% इज टू बी रिटेन ऑफ ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। बेटा डेप्रिसिएशन फ्लैट बोला हुआ है, और ये ऐसा लैंग्वेज होने का मतलब है कि क्लोजिंग बैलेंस पर चार्ज होगा, किस पे होगा, क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस पे ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्लोजिंग बैलेंस पर ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना है, फर्नीचर इन फिटिंग्स 13,600 था, डिडक्शंस ड्यूरिंग द ईयर जो बिका 1200 का बिका, और एडिशंस हुआ 1040 का। और याद करो मैं आप लोगों को एक बात बोलता था, ले लो बेटा कसम करेंगे प्रोविजन हरदम एंड में, लास्ट में ले लो कसम, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डिस्काउंट करेंगे सबसे लास्ट में, है ना ये सम्स में खेल जो आप क्लासेस में पढ़ते हो। यदि किसी ने देखा कि सीक्वेंस में जो पहले आया पहले करके फेंक दो, तो उसको तो तकलीफ हो गया होगा, वो फाइनल अकाउंट में गलती कर बैठा होगा। एनीवे, तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्नीचर इन फिटिंग्स 13,600, उसमें से 1200 लेस हो गया और एडिशन हुआ 1040 का ड्यूरिंग द ईयर,
1040 का नया फर्नीचर आया, वो ऐड कर दिए, 13,440 हो गया टोटल वैल्यू उसका, 10% 1344 डेप्रिसिएशन कर दिया गया। यदि दोनों राइट होता है तो हाफ हाफ मिलेगा। उसके बाद यदि सैंडिडेट, हाँ बोलिए, डाउट से, हाँ क्योंकि सीखना पड़ेगा ना, कुछ ये डाउट्स भी ना आए आगे, इसलिए मैं ये सुनूंगा, अगला टेस्ट में इसका ख्याल रखूंगा। बोलिए। एक बच्ची अपना पर्सनल डाउट पूछ रही है, पेपर में कोई डाउट नहीं है, सॉल्यूशन चेक करने में डाउट नहीं है, उनका पर्सनल डाउट है कि सर डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो चुका होगा, तो मैं उसे ये याद दिलाऊंगा कि मेरा स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। क्यों? किस चीज़ का एंट्री हुआ है और नहीं हुआ है ये ट्रायल बैलेंस बोलता है। यदि एंट्री हो गया होता तो ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन दिख रहा होता। एडिशन हो गया होता तो एडजस्टमेंट में नहीं बोला होता। एडजस्टमेंट में फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का जरूरत क्या था? इन्होंने बोला कि जो परचेज हुआ वो ये मानना चाह रही है कि उसमें इंक्लूडेड है। नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब ही होता है कि दिस वॉज नॉट कंसिडर्ड वाइल द ट्रायल बैलेंस वॉज प्रिपेयर्ड। सो दैट्स वाई बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, जब ट्रायल बैलेंस बनाया गया है और वो गलत बना है, उस इन आइटम को कंसिडर नहीं किया है, बिना कंसिडर किए ट्रायल बैलेंस बनाया गया है, तो यू नीड टू रेक्टिफाई सच एरर, सच ऑमिशन। क्लियर है? नेक्स्ट चेक पॉइंट, यदि ये सही बैठा है अगले का तो उसको 1 मार्क्स दीजिए, 1 हाफ नहीं। चेक पॉइंट तो मैच करना चाहिए, और हम लोग तो हर मेजर चीज को पकड़ के रख रहे हैं। अब कैपिटल लिखने का मार्क्स दें क्या? हाँ देंगे, आपको उसका भी देंगे, जब ये माइनस कर लेंगे तो इसके लिए हमने 4 मार्क्स डिवोट किया है, अभी तक निकाला कितना? 2, बचा हुआ 2 मार्क्स तो बाकी चेक पॉइंट के लिए है, छोटे छोटे चेक पॉइंट जो सबका राइट होता है। आप डेटस में देखिए क्या गलती कर गए, वर्किंग्स दिखाऊंगा मैं डेटस का, आप यदि डेटस चेक करेंगे ना तो इस डेटस को ही देखिए, यहीं पर देखिए 2000 तो सेटअप था, चेक डिसऑनर्ड हुआ तो आपको एक एक एंट्री वही चलना चाहिए था, आपने सब कुछ सोच लिया, यदि एक साथ तो गलत किए होंगे, चेक डिसऑनर्ड हो गया, अरे डिसऑनर्ड हो गया तो फिर से डेटर बनाएंगे, और बैंक बढ़ाए थे बैंक को घटा देंगे, तो डेटस ऐड कर दिए और बैंक लेस कर दिए, भूल गए, एंट्री वाइज आना, एंट्री वाइज बैंक में किए बट यहां नहीं किए, तो जनरेंटिस क्यों छोड़ेंगे आपको? मैं जो पढ़ा रहा हूं ये मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे कोई नहीं कराता है जल्दी से, सब मेमोरी बेस लेके गए होंगे आज तक, और हमने तो बोला है आपको कुछ याद ही नहीं रखना, आपको रखना क्या है याद, क्या रखना याद है? सिर्फ जर्नल इफेक्ट, हमें हमने बोला था ले लो तुम कसम बेटा, बोला था ना, क्या ले लो कसम कि एंट्री बोलेगा कि ऐड करना कि लेस करना, मेमोरी पे नहीं जाएंगे, हमारा एंट्री बताएगा कि ऐड करना है कि लेस करना है। जब एंट्री हुआ चेक डिसऑनर्ड का, चेक डिसऑनर्ड होने से हम अपना डेटस को फिर से पहला प्यार को प्यार बनाएंगे, और चेक बैंक को बढ़ाए थे, कलेक्शन होने पे तो डेटस को घट, बैंक बैलेंस को घटाएंगे, तो एंट्री क्या हुआ था, डेटस इंक्रीज हुआ था, वही तो ऐड करना था, फिर तुरंत खबर आ गया 400 डूब गया, वो देगा ही नहीं, नेक्स्ट लाइन में लिखा है इररिकवरेबल, तो यदि बोल दिया कि इररिकवरेबल है इसका मतलब वो रुपया डूब गया, और यदि डूब गया तो हम एंट्री जानते हैं, डूबने का क्या एंट्री होता है, बैड डेट्स डेबिटेड टू डेटर्स, डेटर्स को घटाएंगे, तो डेटर्स से अपने जो बैड डेट्स हुआ 400 वो घटा दिए, और ये 400 रुपया बैड डेट्स है तो बैड डेट्स का मौत भी तो हुआ होगा पीएल में, देखिए पीएल में जाकर मैंने मौत कर दिया, बैड डेट्स को मौत दे दिया यहां पर। नेक्स्ट आ जाए यदि हम लोग
तो उसके बाद बोला प्रोविजन बनाओ 5% ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन हमें 5% ऑन डेटर्स बोला ना, ऑन जनरल डेटर्स, और बोला 600 वाला जो डेटर है ना वो ऐसा है जिसमें कि मुझे कितना मिल जाएगा, 60% मिल जाएगा, तो डूबने का चांस कितना है 40, उस पर 40% के रेट से प्रोविजन बनेगा। देखिए प्रोविजन का मेरा टोटल डेटर्स कितना है, तो उतना के बाद मेरा डेटर्स है 46,600 इज माई डेटर, जिसमें 600 वो वाला भी है जिसके ऊपर मुझे डूबने का चांस कितना है, कितना है 40%, क्योंकि 60% इज एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट, तो डूबने का चांसेस कितना 40%, तो 40% इज द डूबने का चांस, तो 40% ऑफ 600 इज इक्वल टू कितना 240। और ऑन जनरल डेटर्स, ये तो स्पेशल नेचर वाला 600 वाला, और वो तो मेरा डेटर्स में जुड़ गया, जब मैंने 1,000 रुपये जोड़ा और 400 घटाया तो 1,000 रुपये जुड़ा हुआ ही है ना, आप देख सकते हैं 1,000 रुपये मैंने ऐड किया था चेक डिसऑनर्ड होने पे, और बैड डेट्स होने पे 400 घटा दिया, तो जुड़ा हुआ कितना रह गया 600। तो बोला इसके ऊपर आपको करना कितना है, इसके ऊपर आपको करना कितना है 46,600 में से 600 इज अ जनरल डेटर, और उस जनरल डेटर्स के ऊपर 5% 2,300, टोटल प्रोविजन 2,540। आप देखिए इसके लिए दो कितना मार्क्स मिल गया, इसको 1.5 मार्क्स मिल गया ना, यहां डेटर्स भी सही बैठेगा और आधा मार्क्स उधर हमने पीएल में भी दिया है इस चीज के लिए चेक पॉइंट बनाकर। इसके बाद बोला डिस्काउंट अच्छे डेटर्स को दिया जाता है या डूबने वाले को दिया जाता है, अच्छे डेटर्स को, जो 600 रुपये वाला डेटर है वो अच्छा है या गंदा है, वो तो गंदा है, तो उसको तो मैं अलग करूंगा पहले, तो मेरा टोटल 46,600 गंदा वाला को मिलाकर है, उसमें से 600 मैंने गंदा वाला डेटर्स को अलग कर दिया, 600 को गंदा वाला डेटर्स को मैंने क्या किया निकाल फेंका, तो मेरा पता चला और 46,000 बचा अच्छा वाला डेटर, और उसमें से भी जिसपे मुझे शक है 2,300 डूब जाएगा, ये प्रोविजन जनरल, ये आया जनरल डेटर्स और ये आया जनरल डेटर्स के ऊपर प्रोविजन, माइनस कर दिया उसके ऊपर 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होगा, जिसके लिए अलग से हाफ मार्क्स मिल रहा है, कहां पर, कहां पर बोलो पीएल में, और हाफ हाफ मार्क्स कहां मिल रहा है, यहां इस प्रोविजन के लिए देखो आपको हाफ मार्क्स मिल गया पीएल में, कुछ कंसीडर्ड हो गया बैलेंस शीट में, और वर्किंग्स में मिल गया हाफ, एकदम माला माल हो जाए जो किया हो, और कंगाल होने का भी नौबत आ गया जो ये सारे चेक पॉइंट को ठीक से नहीं मिट किए होंगे, तो ये दो वर्किंग्स पे हाफ हाफ। अभी अपना बैलेंस शीट में और कोई चेक पॉइंट है क्या, कैश एट बैंक यदि कोई लाया हो तो उनको हाफ दे दीजिए, और बाकी जनरल कैटेगरीज में चला जाएगा, मैच करा लीजिए। टोटल मैंने मार्क्स यहाँ पे दे दिए हैं 2,250, तो बचा हुआ जनरल कैटेगरीज है 1,50। यदि किसी का सब कुछ बाकी मैच करता है आप मैच कर लीजिए एक बार, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, पहले ऊपर से जूम करके स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप मिला लीजिए बैलेंस शीट का ऊपर वाला, दोनों साइड लेफ्ट राइट दोनों मिलाइएगा, टिक करते जाइएगा राइट होने से। अच्छा कुछ इधर उधर भी हुआ, 18-19 हुआ तो 1.5 मार्क्स दे दीजिएगा, क्योंकि चेक पॉइंट तो चांसेस रहेगा ही कि गलत होगा, चेक पॉइंट तो चांसेस रहेगा ही कि गलत होगा, इसलिए इसको 1.5 मार्क्स देना ही है, आपका टिक हो ना हो कंसोलेशन प्राइज 1.5 देना है, तो कॉन्सोलेशन प्राइज 1.5 अटेम्प्ट करने के लिए, बाकी सब चीजों को करने के लिए 1.5 आप
समझ गए एकदम, एक चीज का ब्रेकअप कर दिया गया, अभी हमारा बच गया, हमें वर्किंग्स के लिए मैंने कितना मार्क्स रखा था, दो, अभी तक वर्किंग्स में दिया कितना हो, एक। प्रॉफिट और लॉस ऑन एक्सचेंज कोई निकाला है तो उसको हाफ मार्क्स और दे दीजिए, और आपको यदि नया एंट्री करने में दिक्कत हुआ होगा ना, एक्सचेंज पहला बार आया है आपके सामने तो आप देख लीजिए, मैंने एंट्री करके दिखा दिया। नया फर्नीचर एसेस इंक्रीज हो रहा 1040 का, और उसे उसके बदले में मुझे एक्सचेंज वैल्यू मिला 580। होता ना, नया मोबाइल ले रहे हैं और पुराना मोबाइल देकर, तो पुराने मोबाइल के बदले में 10,000-15,000 कुछ वैल्यू मिलता है, तो यहाँ पर आपको 580 का एक्सचेंज लॉस हुआ, और लॉस होने से अपने क्या करते हैं, लॉस ऑन एक्सचेंज इंक्रीज होने से अपने क्या करते हैं, लॉस को डेबिट करते हैं। मेरा पुराना फर्नीचर एसेट से डिक्रीज हो गया 1200 से, और बोला हुआ क्वेश्चन में नेट इनवॉइस वॉज पास थ्रू परचेज बुक, इसका मतलब नेट इनवॉइस कितना हुआ, तो मैंने नया लिया था कितने का, नया एसेस लिया कितने का, 1040, मुझे पुराने के बदले में मिला कितना, 580, तो मुझे डिफरेंस देना कितना पड़ेगा, 460। बोला ये जो नेट अमाउंट है ना, दैट वॉज रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक, तो बोलते हैं परचेजेस से 460 परचेज इंक्लूड हो गया, परचेज बढ़ा हुआ इसलिए परचेज को घटाना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका एंट्री। हाफ मार्क्स उनको एज ए पूरा तीनों सब बनाने के लिए ओवरऑल ओवरऑल बैलेंस शीट में और आधा जोड़ दीजिए, मतलब यहां पे 1.5 है ना, प्लस हाफ कंसोलिडेशन प्राइस बैलेंस शीट का 2। क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन आ गया, फिर भी मतलब डाउट्स है या चेक करने से रिलेटेड क्वेश्चन है, डाउट्स अलग से, अभी चेकिंग चल रहा है, आप अपना पर्सनल डाउट्स अलग से पूछेंगे तो मैं उसे एंटरटेन करूंगा, तो टेस्ट टेस्ट रहता है, चेकिंग चेकिंग रहता है, नहीं तो क्या होता है, खिचड़ी बन जाता है, और खिचड़ी बनने से पता चलता नहीं है कुछ। चलिए ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, आपको मिल जाएगा, आपने चेक पॉइंट पे मार्क्स नहीं दिया, कॉपी नहीं करना, मैंने पहले ही बोला है आपको लिखना नहीं है, चेक पॉइंट मैच करता है मार्क्स दीजिए, नहीं मैच करता जीरो बैठाइए। कॉपी करने के लिए व्हाट्सएप में आज एक बार एग्जाम हो जाए 1 बजे वाला, उसके बाद मैं सॉल्यूशन में डाल दूंगा, तो टेंशन ही नहीं है आपको, तो अभी कॉपी मत करिए। प्लस हाफ, हाँ क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऐसे मन किया, दिल में आया प्लस हाफ देने का, ये दिल मांगे मोर, दे दिया, आपको क्या मतलब, तकलीफ क्या, दीजिए बच्चे को, बच्चा इतना मेहनत किया है, आप लोग टीचर हो गए तो लग रहा काट के रख देंगे उसका, ये भी तो गलत बात है ना, 4 मार्क्स में 2 मार्क्स तो मिलना ही चाहिए उसको अटेम्प्ट करने का, तो मैंने ऐसे ही बोला, सब चेक पॉइंट गलत है तो भी 2 मिल रहा है तो गलत क्या है, अगला पूरा चेक पॉइंट गलत किया है तो अभी तो उसका 2 मार्क्स बनता है ना, तो वही तो 2 मार्क्स मैंने उसको दे दिया। चलिए नेक्स्ट अपने चेक करेंगे, कोई कॉपी एक्सचेंज कर लीजिए उनसे, आपके पास जो कॉपी है ना वो कॉपी उनको दे दीजिए, वहां बैठ जाओ और उनका कॉपी आप ले लीजिए। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 5 इन द बुक्स ऑफ जिसका भी नाम होगा उस पे रेक्टिफाइंग एंट्री करना है, मैच करता जाए, आप सोच लीजिए कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, एक एक एंट्री करेक्ट होने पर कितना मार्क्स मिलेगा
वो बाद में बताता हूँ, खाली आप एंट्री मैच करिए, हो रहा है कि नहीं, नो डिस्कशन, टाइम ही नहीं है अपने पास। तो यदि ये करेक्ट है, सन्ड्री परचेजेस टू सस्पेंस पहला एंट्री, यदि ये करेक्ट है तो इनको आप दीजिए हाफ। गुप्ता अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, ये करेक्ट है तो इनको दीजिए हाफ। सस्पेंस टू थॉमस यदि 210 है तो इनको दीजिए हाफ। सेल्स टू फर्नीचर यदि करेक्ट है तो इसको दीजिए हाफ। सैंडी डेटस टू सस्पेंस यदि करेक्ट है तो हाफ। डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस यदि करेक्ट है तो हाफ। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस यदि करेक्ट है तो हाफ। नरेशन होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी लिखा हो, नरेशन होना चाहिए। ठीक है, दे दीजिए। सैंडी डेटस की जगह कोई जेड लिखा हो तो वो चलेगा, ठीक है, बट मार्क कर दीजिए उसको कि आपको डेटस लिखना चाहिए। मार्क्स मतलब रिमार्क में डाल दीजिए कि वो डेटर होगा। बोलिए, किसी में नरेशन नहीं है। आपने ओवरऑल कितना मार्क्स दिया अभी तक? 4.5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मतलब 3.5। यदि सब करेक्ट होता तो 3.5 माइनस वन फॉर नरेशन फॉर ऑल। यदि किसी ने नरेशन नहीं दिया सभी में तो माइनस वन कर दीजिए, माइनस वन ओवरऑल एक साथ माइनस वन, तो कहीं ब्रैकेट में माइनस वन कर दीजिए यदि नरेशन नहीं दिया तो। इंडिविजुअली नहीं उड़ा रहे हैं, ओवरऑल माइनस वन। अच्छा, यदि किसी का सब एंट्री राइट हो गया तो क्वेश्चन तो 10 मार्क्स का है। हाफ थोड़ा कम लग रहा है, मतलब एक एक कर दूं क्या इसको, डबल कर देता हूं। एक काम करो, जितना आपने किया है ना वो सब सेकेंडरी है, ये राइट हो गया, उसका इशारा कर रहा है वो, सुनो समझो। वो बच्चा इशारा कर रहा, मत बोल मत बोल, एग्जाम में जो होगा वो होगा बेटा। यहां पे टोटल 7 है तो ये आपका सस्पेंस में तो घूम फिर के कितना, ये होने के बाद 2 मिनट में सस्पेंस, 1 मिनट में सस्पेंस बन जाएगा। प्रॉफिट वाला भी है, उसके लिए भी 2 मार्क्स से 2, 4, 6 मार्क्स इधर होना चाहिए। तो 7 एंट्री करेक्ट होने पे 6 होना चाहिए, तो एक एक मार्क्स हम लोग यदि देते हैं तो 7 हो जाएगा, 2, 1, 1, 2, यानी सबको डबल कर दीजिए। समझ गए? प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ नरेशन किसी ने नहीं दिया है ना तो -3। बहुत वेटेज दिया ना तो नरेशन का भी तो वेटेज बढ़ता है थोड़ा ज्यादा, -3 इस बार, मतलब 7। यदि नरेशन कोई नहीं दिया तो आपका एकदम कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए, 7 - 3 4 मार्क्स आएगा। ठीक है, एक एंट्री गलत होता है तो 1 मार्क्स कट गया, मतलब कि आप समझिए कि 3 आएगा नरेशन के बिना। आप समझ गए? एक एक करके कोई कंफ्यूजन है इसमें मार्क्स देने में? नहीं। किसी ने सस्पेंस अकाउंट यदि सही बनाया है, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंसिंग फिगर आएगा जो मिसिंग था क्वेश्चन का, यदि ये सब मैच करता है, ये हमारा चेक पॉइंट है। ठीक है, और बाकी सब तो ऐसे कॉन्सोलेशन है, वो तो वहां से जनरल एंट्री का लेजर पोस्टिंग है। यदि ये चेक पॉइंट मैच करता है, ठीक है, तो उस केस में ये हो सकता है गलती से बच्चा नीचे लिख दिया हो, बट ये गलती तो गलती है। हाँ सर बोल रहे हैं, ये गलती तो गलती है, समझ में आ रहा है? ये तो मिस्टेक है, और ये मिस्टेक है तो इस मिस्टेक को क्या करना पड़ेगा, पेनालाइज करना पड़ेगा। तो यदि नॉर्मली सब कुछ सही है तो 2 दीजिए, यदि ये नीचे लिख दिया है तो 1.5 दीजिए, ये लिखा ही नहीं है, ये लिखा ही नहीं है, तो उस केस में उसको
एक मार्क्स दीजिए, वन कॉन्सोलेशन प्राइज, वन दीजिए सस्पेंस बनाने का, तो या तो वन मिलेगा या तो वन एंड हाफ मिलेगा। यदि बैलेंस गड़बड़ लिखा है, नीचे ऊपर कर दिया उसके लिए हाफ कट रहा है, और या तो दो में दो मिलेगा। स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन प्रॉफिट, तो मेरा उधर कितना हो गया, सात और दो नौ हो गया, ये एक मार्क्स ही हुआ। फिर तो आफ्टर फाइनल अकाउंट तो रेक्टिफाई है ही नहीं है ना क्वेश्चन। हाँ किसके लिए, नॉमिनल अकाउंट नहीं लिखा, वो कट गया, वो एंट्री कट गया, वो एंट्री कट गया, पी एडजस्टमेंट क्यों? फाइनल अकाउंट कहीं बोला है कि फाइनल अकाउंट बनाया है, काट दीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन प्रॉफिट। तो पहला देख लीजिए, तीन ही आइटम है, यदि ये किसी ने ऐसे बनाया है या केवल ये वाला, ये वाला, ये और ये लिख दिया और लिखकर लिखा इनकम इंक्रीज या डिक्रीज। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा था कि इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन प्रॉफिट क्या होगा, रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट नहीं पूछा है। क्वेश्चन दो तरह से पूछता है, इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन प्रॉफिट, इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑन प्रॉफिट। तो मुझे पूछा है, मैं स्टेटमेंट लिखा हूं, स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन प्रॉफिट। यदि ऐसा किसी ने लिखा है तो उसको इनकम इंक्रीज होगा पहला के कारण, वो हो सकता है डिक्रीज लिखा हो क्योंकि तो रेक्टिफिकेशन सोच रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, एरर्स का इफेक्ट बताओ, गलती से प्रॉफिट पे क्या हुआ, ये नहीं बोला सही करने से प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या हुआ। मेरे को मार्क्स एलोकेशन इसका ज्यादा करना चाहिए था, बुद्धि तो यहां इन्वॉल्व था, बुद्धि टेस्ट इस जगह पर था इस स्टेटमेंट में। एनीवे मैंने इसके लिए बहुत लोवेस्ट मार्क्स रखा है, एलोकेट कर दिया है, लेकिन यदि किसी ने करेक्ट किया तो उसको एक्स्ट्रा बोनस, यदि ये सही बैठाया है तो उसको दो दे दीजिएगा। समझ में आया क्या बोले मैं, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स की जगह 11 मार्क्स का कर दिया मैंने। सर दो मिलेगा या तो वो जीरो जाने वाला है, जानते हैं क्यों, इनकम इंक्रीज बोलना होगा 150। अब खाली इंक्रीज बोलने से चल गया, दे दो उसको एक मार्क्स दो, अमाउंट नहीं लिखा है, इंक्रीज लिखा है, एक मार्क्स दो, आधा तो उसका बनता है, ये बोनस नहीं बनता उसका। तो खाली कोई ये लिखा है ना, ये 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 और ये, तो उस केस में आप उसे उस केस में आप उसे क्या करेंगे। जनरली बच्चा लोग क्लास के लिए वेट करता है, आज तो पहले ही घुस रहा है, वो भी 10:30 बजे। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आप उसे मार्क्स देंगे कितना, दो, या यदि केवल अमाउंट नहीं लिखा है तो उसे देंगे वन, और अमाउंट लिखा है तो उसे लिखेंगे दो। होप सो आप पूरा कंप्लीट कर पाए होंगे। इसके बाद आप टोटल करके देखिए कि आउट ऑफ 55 आपने कितना पाया, ठीक है। और थैंक यू, ऐसे ही आप टेस्ट देते रहिए, और टेस्ट पेपर आपको मेरे को व्हाट्सएप करके मिल जाएगा। आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं, शुरुआत में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, और बाद में आप टेस्ट दीजिए और फिर ये वीडियो देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, ये पक्का है मेरा। ये सभी बच्चों के लिए, मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि मैं ये केवल अपने बच्चों के लिए बेनिफिट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, सभी बच्चों के लिए जो CA के लिए तैयारी कर रहे हैं, CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम देंगे। नवम्बर 19 एग्जाम के लिए मैंने ये टेस्ट कंडक्ट किया है, थोड़ा स्टैंडर्ड। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द रैंक, आपको इस तरीके का थिंकिंग और इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू।